I was working with Farhan. Farhan is a God-gifted individual. बादशाह बेगम का हर रिव्यू हर हफ्ते क्या ही फूशिया रिव्यू देगा जो मेरे बाबा फोन करके अच्छा? और फिर पहले एक मैसेज में रिव्यू आता है बख्तियार नीड्स टू डू दिस. मेरा आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है क्योंकि बस अभी मेरा मूड ऑफ है, बट यही तो चीज है जो मैंने कब्र में लेके जानी है, जिसपे सवाल होगा, जिसपे सवाल होगा. फलाना ब्रांड पहन लिया, फलानी इंडोर्समेंट कर ली, नहीं फर्क पड़ेगा किस वजह से की, क्यों की, किसको सपोर्ट किया, कितने घर चलाए, कितने लोगों की जिंदगियों में फर्क डाला, इज व्हाट इज गोना मैटर. आई डोंट, अब मुझे बिकॉज हर वक्त ये पता नहीं अपने आप को क्या समझती, अरे बेशरम, अरे बदतमीज, किस बात पे पता नहीं किस बात पे. तो इसलिए अब कमेंट्स तो मैं बिल्कुल ऑफ हो चुकी हूँ. Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है, सोच रही हूँ कि उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराऊँ. मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, जो जिंदगी में अपने कुछ डिसीजन जो शायद नॉट सो परफेक्ट डिसीजन हो उनको ओन अप करते हैं, उनसे जो सीखा होता है उनके बारे में बड़ी कॉन्फिडेंटली बात करते हैं. इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया हुआ है. शी स्टार्टेड एज दिस बबली यंग एंथुजियास्टिक यू नो गर्ल, और अब हमने उनको ट्रांजिशन होते हुए देखा है इन समबडी जो ठहराव आ गया है, लेकिन थोड़ा सा वो इमोशनल जज्बाती पार्ट है अभी भी कहीं ना कहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मुझे लगता है, और बहुत समझ आ गई है. एंड इस बात की शायद रियलाइजेशन आ गई है कि वो जो कुछ कर रही हैं वो उनकी ऑडियंसेस को अफेक्ट करता है, और वो उसके लिए शायद उनके ऑडियंस के जो जज्बात हैं उसको वो अपने दिमाग में रखती हैं. आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट अबाउट हर, एंड हर चॉइसेस आर नाउ बीइंग इम्पैक्टेड बाय द पोजीशन शी होल्ड्स इन दिस इंडस्ट्री. आई हैव विद मी टुडे ज़ारा नूर. अस्सलाम वालेकुम ज़ारा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? कितना डिटेल्ड रिसर्च, एंड आई एम श्योर इफ 5 मिनट में किया होगा. नहीं, ये रिसर्च में नहीं है, ये मेरे क्योंकि आई seen you for a long time, so yeah, I think my interview with you last time was 4 years ago. Yes, almost three years ago. तो मुझे, मैं जब अपने गेस्ट को से बात कर रही हूँ तो उनके बारे में सोचती हूँ, तो फिर जो मुझे जहन में चीज़ आती है मैं उस तरीके से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और ये जो चीज़ें होती हैं ये मेरी अपनी परसेप्शन है अबाउट यू. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ परसेप्शन बहुत अच्छा था, बिकॉज़ आई हैव सीन यू गोइंग लाइक दैट, यू नो, एंड आई नो कि ज़िबाइश पे क्या हुआ था, और फिर आपने जिस तरह ओन अप किया. मैंने उस वक्त आई थिंक अपने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी वीडियो भी की थी, बिकॉज आई वॉज लाइक वाओ दिस इज़ ह्यूज, कि बिकॉज इतना बैकलैश आया था, बट आपने जिस तरीके अच्छा से वो बैकलैश मुझे अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंसी आती है. मैं कभी कभी अपने दोस्तों को दिखाती हूँ कि वेट यू गाइस वांट टू सी आई वाज अ मीम एट अ पॉइंट इन टाइम. सो आई थिंक अब आई रियली एंजॉय, मैं आई रियली सिट डाउन एंड वॉच माई वर्क एंड आई रियली एंजॉय दैट टाइम कि वॉट वॉज आई थिंकिंग. बट ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है ज़ारा, आसान नहीं होता अपने आप को देखना, अपने आप पे हंसना. जो भी है काम तो आपका है, उस वक्त तो दिल के करीब होता है ना. हाँ. और अभी आप हंसी, लेकिन उस वक्त तो टफ था, लेकिन लेकिन आई रिमेम्बर आपने बहुत अच्छे तरीके से उस सारी चीज़ को हैंडल किया, ओन अप किया कि ठीक है इट्स नॉट समथिंग दैट हर किसी को पसंद आ गया, शायद मुझसे गलती हो गई है, एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम इट. सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट, बिकॉज हर कोई नहीं कर सकता, और बहुत से लोग करके एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, यू नो, गलती हर किसी से हो जाती है. एंड आई लाइक द स्टांस यू सेड दैट, मैंने बहुत लर्न किया इससे. आई डिड लर्न अ लॉट, थैंक यू सो मच. तो जी क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? बस आजकल जिंदगी में गर्मियाँ हैं, और गर्मियाँ हैं, और डॉलर ऊपर चला गया है, और ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, और बहुत फिक्र होती है हमारे मुल्क की इकॉनमी की. इट इज़ अ डार्क टाइम फॉर पाकिस्तान, एंड आई जस्ट होप, या वेरी टफ. आई थिंक मिडिल क्लास वाइट कॉलर बंदा जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है. आई मीन द रिच आर ऑलवेज इन अ बेटर इन अ सेफ पोजिशन, बट जो हमारे लोग हैं जो अंडर दे लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन एंड पीपल हु आर मिडिल क्लास वाइट कॉलर पीपल, दे कांट गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प, एंड दे आर अंडर ह्यूज ट्रबल एट द मोमेंट. सो इट्स वेरी वरिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी एट द मोमेंट. अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए चीज़ें, कुछ इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह बेहतर होंगी. पाकिस्तान एक बहुत ही टफ मुल्क है, बड़ी दफ़ा गिरता है फिर उठता है फिर गिरता है फिर, बट एवरी टाइम माशाल्लाह टच वुड द कंट्री रिवाइव्स. आई नो, ये बहुत मैं हैरान होती हूँ पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ये
इज अ स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ. रिजिलियंस, रिजिलियंस इतनी है पाकिस्तानी कौम में. पाकिस्तान एज अ कंट्री इज वेरी यू नो वो फाइट बैक करता है सर्वाइवर से. हाँ, सो आई थिंक इंशाल्लाह निकल जाएंगे इस वक्त से भी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं. बीएनयू से पढ़ी नहीं है. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ अब्बा ने जाने कैसे दिया जब वो चाहते भी नहीं थे कि आप इस फील्ड में जाएं, लेकिन एक मीडिया स्कूल में जाने दिया आपको जो प्रॉपर, इट्स नॉट लाइक ए कॉलेज जिसमें एक वो तो है ही, यू नो उसका स्पेशलाइजेशन उसकी मीडिया की है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मीडिया. तो कन्विंस कैसे किया था उस वक्त उनको? नहीं लगा था यार ये कुछ आगे जाके गड़बड़ हो सकती है? एक्चुअली मेरे भाई भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया था उस वक्त, और अम्मा ने भी साथ दिया था, पर वो थोड़ा डरती थी कि ये कैसे जाएगी, ये क्या होगा. बट मेरी भाभी ने मेरा साथ दिया और उसने समझाया घर में सबको कि सुने आप लोग को क्या हो गया है, इट्स ओके. एंड आई थिंक देन माई फैमिली, पहले तो भाई को समझाया जो सबसे बड़ा वाला भाई है उसको, पहले अपने शौहर को समझाया, वो समझाया कि अच्छा सही कह रही है. तो उसके बाद बाबा को समझाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबा गए, विजिट किया, उन्हें समझ आ गई. उनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि ये बीएनयू में किसी फिल्म स्कूल में जा रही है, बट आई थिंक उनका प्रॉब्लम यही था कि वो चाहते थे मैं लॉ करूँ, और मैं लॉ कर भी रही थी उस वक्त ए लेवल्स में, बट मैं उसके बाद क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहती थी. और बाबा वाज लाइक कि क्रिमिनल लॉ में आपको, मतलब कोर्ट में आप जाओगे, आपको पता है क्या होता है. एंड ऑफकोर्स राइटली सो बाबा की जो भी बातें थी वो उस वक्त अहम थी, और ऑब्वियसली बिकॉज आई एम मैं बिल्कुल आई एम अ आई डोंट इवन मूव विदाउट अम्मा बाबा अम्मा बाबा. तो जब अम्मा अभी तक लाइक आई हैव टू वेक अप एवरी डे, जी अम्मा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अम्मा ये हो रहा है आज का शेड्यूल है, जी बाबा अस्सलाम वालेकुम अब ये हो गया वो हो गया, उसके बगैर आई डोंट थिंक, उसके बगैर आई कांट, मैं अपना दिन नहीं शुरू कर सकती. सो आप सबसे छोटी हैं सबसे बड़ी हैं? मेरे से एक छोटा भाई है, बीच में है, बीच में हूँ, मेरे से दो बड़े भाई, बट मैं अकेली बेटी हूँ इसीलिए लाडली है, बहुत पैम्पर्ड हो रही हूँ. और ऊपर से फिर आगे से जहाँ यू नो अपने ससुराल में भी मेरे सास ससुर जो है वो हर चीज पे हाँ जा रहा, तो वहाँ भी एक जरा प्यार और लाड, यू नो माई भाभीज एंड एवरीबडी सब बहुत प्यार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इट्स जस्ट लाइक उस वक्त बाबा की बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट था. बट चली गई बी एन यू में, पढ़ाई भी कर ली. बट आपने जो पढ़ा है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि एक्टर्स को पढ़ के आना चाहिए या उनके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड, लेकिन स्कूल कॉलेजेस तो हैं नहीं इतने फॉर दिस फील्ड. आपको लगता है कि जो आपने सारा पढ़ा और जो किया वो जब फील्ड में आई तो वो फ़ायदामंद हुआ, या आपको लगता है कि नहीं फील्ड पे आके जब आप ऑन जॉब काम करते तो वो लर्निंग अलहदा है? आई थिंक एकेडमिकली कोई भी चीज़ आप, आई थिंक आप सिर्फ अपने नॉलेज में ला सकते हैं, बट जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो इज़ इंटायरली डिफरेंट. एक्टर बनने के लिए या सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए, डीओपी बनने के लिए या फिर डायरेक्टर बनने के लिए आपको किसी फिल्म स्कूल की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू, या मुझे लगता है आपको टेक्निकलिटीज़ पता चल जाएंगी मैक्सिमम, बट जो आप हैंड्स ऑन सीखेंगे, जो आप सेट पर सीखेंगे, और आर्ट के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि वो या होता है या नहीं होता. वो ऐसा नहीं होता कि मैंने सीखा है, आप सीख नहीं सकते. अगर आपके अंदर वो रिदम नहीं है, वो टोन नहीं है, वो इमोशन नहीं है, वो एम्पथी नहीं है, आपको पता ही नहीं है हंसी खुशी को फील कैसे करना है, तो आप वो नहीं कर सकते. बट बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स हैं जो बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स हैं, बट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने से फ़र्क नहीं पड़ता. आई थिंक आपके अंदर एक चीज़ है जो अल्लाह मियाँ की तरफ से होती है या नहीं होती, आप सीख नहीं सकते. आई थिंक बट कहीं ना कहीं तो फ़ायदा हुआ होगा जो आपने सब पढ़ा, लाइक टेक्निकलिटीज़ का पता था, वर्ड प्ले का पता था, स्क्रिप्ट राइटिंग का एक तरीका आ जाता है कि यू नो ये सेक्शन ए है, बी है, इसका मिडिल एंडिंग, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, ये वर्ड्स आ जाते हैं आपको. बट फिर जब आप लिखने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में एक चीज़ यूनिवर्सल है और उसको कहते हैं इमोशंस. ठीक है, वो हंसी के हों, वो खुशी के हों, वो कुछ भी हो, वो इमोशंस हैं. आपने ऑडियंस का इमोशन कैच कर लिया है तो आप फिल्म मेकर हैं. ठीक है, अब वो पढ़ के आने से आपका
इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. वॉट इफ़ आपको कहानियाँ सुनाने का शौक़ है और आपने पढ़ाई नहीं की हुई, लेकिन आप कहानी ऐसे सुनाते हैं. जो हमारी दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, वो फिल्म मेकर्स तो नहीं थी, बट कहानियाँ आई नो उनकी कहानियाँ सुन सुन के शेर आया, चूहों का खाया, मैं पूरा इमेजिन करती थी. मेरी नानी मुझे कहानियाँ सुनाती थी कि वो उसने पता नहीं वो था कि चूचू चूचू आया और उसने कहा कि अंदर कौन है. वो हम वो उसकी कहानी थी, तीन चूजे थे, उनको बाहर एक शेर खाने आ गया, बट हम हमेशा शेर से डर गए थे कि ये तो खा जाएगा हमें. क्योंकि वो उन्होंने एक स्केच, उसका पूरा एक लैंडस्केप ऐसा बना था कि एक बड़े पहाड़ों वाली जगह पर एक छोटा सा घर है, उनकी माँ रात को चली जाती थी, एंड देन यू नो उनका सुनाने का तरीका. तो आई थिंक ये बस एक 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 तरीका है जो आपके अंदर होता है या नहीं होता. वैसे आप सही कह रही हैं, हमारी नानियाँ दादियाँ जो होती थी वो वाकई स्टोरी टेलर्स होती थी. आवाज में उतार चढ़ाव आता था और इमोशंस आते थे कि वो आया और फिर उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, फिर उसने कहा अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा. सो ऑल ऑफ दैट, मतलब मैंने तो अपने घर में देखा है कि अम्मा, सो मेरी अम्मा चूहा बन जाती थी. वो चादर पकड़ती थी और वो इसके दो वो इनेक्ट करके दिखाती थी. हाँ, क्योंकि जब हम होमवर्क नहीं करते थे तो मेरा भाई अहमद और मैं और अम्मा बन जाती थी चूहा और वो ज़मीन पे घूमती थी और हम बेड पे चीखे मारे. वो चूहे की आवाज़ में कहती थी कि मैं अब तुम लोगों को खा जाऊँगा क्योंकि तुम लोगों ने होमवर्क नहीं किया, और हम भाग रहे हैं कि हम. एंड देन शी यूज़ टू एट अ पॉइंट इन टाइम जब चूहे से भी हमने कहा चादर में घूम रही है, कोई चूहा नहीं है, ये अम्मा है. सो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा अब इनको मैं किस तरह डराऊँ. तो एकदम से बैठे बैठे एक दिन हंसने लग गई. मैं और अहमद देख रहे थे ना कि अम्मा को क्या हो गया, तो हंसने लग गई. तो एकदम से उन्होंने कहा तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग की माँ जो है वो इस वक्त यहाँ पे, मैं उसे लेके जा चुकी हूँ. ओह गॉड, दैट्स स्केरी. अब तुम लोग होमवर्क करोगे तभी तुम्हारी माँ वापस आएगी. और मैं और मेरा भाई थे कि हमारी अम्मा पोजेस हो चुकी है. तो उन्होंने कहा तुम लोग समझ सकते हो कि तुम लोग की माँ जो है अब कहीं और है, अब वो वापस नहीं आएगी. और खबरदार अगर तुम लोगों ने अपने बाबा को बताया कि मैं तुम्हारी माँ के अंदर आ चुकी हूँ. और हम रात को बाबा शाम को ऑफिस से घर, और हम दोनों बहन भाई बैठे कि हम क्या बताएं कि ये आपकी बीवी नहीं है, ये एक औरत है जो हमारी माँ में आ चुकी है. और अहमद और मैं परेशान. बट ऑल ऑफ दिस आई लर्न फ्रॉम माई हाउस. हमारे घर में मुफ्ती साहब, हमारे घर में मुन्नू अंकल, जरीना आंटी, एमी मनवाला, और इतने बड़े बड़े लोग हर वक्त आके बैठे रहते थे और हम उनके साथ टॉफियाँ, लॉलीपॉप ये खा. और जब मेरे नाना फौत हुए तो मुझे पता चला कि ये लोग ये थे, ये लोग थे और बड़े अब्बा ये थे. और मेरे बाबा यूज़ टू सिट विद बड़े अब्बा. सो बड़े अब्बा एंड बड़ी अम्मी स्टेड विद अस ऑल आवर लाइफ. तो हमारे घर में हमेशा नाना नानी रहे. तो बाबा और बड़े अब्बा माय नाना बैठ के बात करते थे नूरी सालों के बारे में. कि एक नूरी साल कितना होता है, कयामत के बारे में क्या कहा है, कब आएगी, मिल्की वे क्या है, और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का क्या ताल्लुक़ है इस्लाम से. सो इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होती थी उस वक्त, तो समझ नहीं आती थी बातें क्या करें. बट क्योंकि वो कानों में बातें घुसती रहती थी तो बाद बाद में रेफरेंसेस जब मिलते थे ज़िंदगी में चीज़ों के, तो समझ आता था कि हर चीज़. आई थिंक स्कूल्स कॉलेजेस में हाँ आप नॉलेज हासिल कर सकते हो, बट असल ग्रूमिंग आपकी घर में होती है. सही कह रही हैं. सो वो क्योंकि एनवायरनमेंट वो था, तो बाबा को भी समझ आ गया था कि मैं इसको कितना ही रोक लूँगा, इसने जाना तो वहाँ ही है. अभी मेरा जो छोटा भाई है उसको भी बाबा बेचारे कभी उसके बाल कटवाएं कि नहीं बेटा छोटे बाल, वो लंबे सिंगर है ना, वो सिंगर है. कभी बाबा उसकी नहीं नहीं शेव बनाए, वो फिर लंबी कर ले. बाबा इस तरह होते ना, ये रातों को कौन सा काम होता है बेटा, ये रातों को. मैंने कहा बाबा रातों को ही हमें समझ आ. बाबा ने कहा ये आप क्या मुझे एक्सप्लेन कर रही हैं कि आपको रातों को ही बात समझ आती है और आपके भाई को क्या रातों को ही वही नाजिल होती है. मैंने कहा बाबा रात काम होती है हमें, यू नो मैंने कहा क्या बताऊँ कि आमद होती है वो लिखता है. बाबा तो थे ना एक सीधे साधे फौजी, डिफरेंट फौजी आते हैं. उन्होंने कहा ये क्या आमद, व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट, बट आई थिंक ही इज कम्प्लीटली कम टू टर्म्स. एंड आई थिंक उनकी अपने लिए भी बड़ा चैलेंज है to step out of his own environment and अपनी उससे निकल के आप लोगों की सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना. कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबा, सो देर इज़ अ रीज़न दैट हम ऐसे हैं. बाबा में ये सब है.
लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. अब तो उन्होंने कर लिया, उन्हें पता है. अब तो वो मुझसे ही टॉक्स अबाउट म्यूजिक विद मी, ही टॉक्स अबाउट बुक्स विद मी, फिल्म्स देख के मुझसे बात करते हैं फलानी. अच्छा, बादशाह बेगम का हर रिव्यू, हर हफ्ते क्या ही फूशिया रिव्यू देगा जो मेरे बाबा फोन करके. और फिर पहले एक मैसेज में रिव्यू आता है, बख्तियार नीड्स टू डू दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड बख्तियार सिचुएशन. एंड देन आई रीड कि अच्छा इंस्टाग्राम पे रिव्यू आया है, पहले तो मेरे बाबा की तरफ से आया. सो ही रियली गेट्स हु आई एम एंड ही रियली अंडरस्टैंड्स. उनको पता है कि ये उन्हीं और अम्मा का मिक्सचर है ना, वी आर द बेस्ट ऑफ देम. सो ये माँ बाप में होती हैं चीज़ें, तो वो बच्चों में जेनेटिकली आती हैं. बट दैट्स सो क्यूट एंड दैट्स सो नाइस कि वो हर हफ्ते ना भेजते पूरा एवरी वीक. कितना माशाल्लाह. जब मैं बादशाह बेगम साइन कर रही थी, वो मुझसे पूरा बैठ के ब्रीफ सुनते थे, लाड़काना में फ़ोन करते थे वीडियो कॉल में, आज क्या हुआ, आपने ये कैसे किया, आपने क्या सोचा, अच्छा इस लड़की का आँख क्या है. मैंने कहा आपको कहाँ से पता है इस लड़की का आँख क्या है. इज लाइक नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो देखें ना, आपको इंटरनलाइज करनी चाहिए सिचुएशन इस तरह के खानदानों में. एंड देन ही गोज बैक इन हिज सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म, ही टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दैट. वहां से आपको हेल्प की? या ही वुड टेल मी कि बेटा ऐसे होता है फलानी जगह पे, ऐसा होता है. अच्छा नहीं, ये भी ज़्यादा बात हो गई है, इसको थोड़ा कम करें. तो क्या ही खिजर और साजी स्क्रिप्टिंग कर रहे होंगे जो मेरे बाबा स्क्रिप्टिंग बैठ के कर रहे होते हैं. बट कितना मजा आता है जब आप अपनी फैमिली में और बाबा जिन साहब इतना प्यार करते हैं, उनसे इस तरह की कॉन्वर्सेशन करना, आई थिंक इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. नहीं, आई थिंक जैसे जैसे आई एम ग्रोइंग एंड बाबा इज ग्रोइंग, हम दोनों बहुत क्लोज हो गए. तो अम्मा और मैं तो थे ही हमेशा से क्लोज, बट बाबा और मैं आई थिंक बहुत क्लोज हो चुके हैं. हम लोग we spend hours on the phone talking about politics. Nice. Which I know ke zyada mujhe knowledge nahi hai abhi bhi, aur mujhe nahi zyada baat karni chahiye politics ke bare mein, kyunki asal jab aapko baat karna pata ho to aapko nahi bolna chahiye. baba mujhe kehte hain, baba se baat kar rahi hai. ha, but main baba se karti hu, aur bahut bahut discussion karte hain, aur hamare point of views kafi similar hote hain, to main khush hoti hu ki chalo शुक्र है कि. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैं फादर से कोई कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ ना, इस तरह का जाए, एक ही पॉइंट पे आ पा रहे हो, उनका भी वो एंथुसियाज्म हो, जो तो इट्स एक अलग ही फीलिंग होती है. एनर्जी डिफरेंट होती है एंड समहाउ उस कॉन्वर्सेशन का कोई मकसद भी नहीं निकले तो मुझे लगता है, लेकिन जब आप उठते हैं ना तो आप खुश होकर उठ रहे होते हैं. लाडली हैं भाइयों की, हाउ इज़ दैट? कितना अपना हुक्म चलाती थी, अपनी बात मनवाती थी और क्या. मैं भाइयों की लाडली एक्चुअली जबरदस्ती हूँ. जबरदस्ती तीनों का बस चले वो मुझे किसी कमरे में बंद करते. मेरे भाई क्यों तंग है मुझसे? बहुत तंग किया था बचपन में, मैंने उनको बहुत तंग किया है और मैं उनको इरिटेट करती हूँ. और वो मेरे भाई, एक तो मेरे भाई को लगता है मैं बहुत प्यारी हूँ, तो वो कहते नहीं है माशाल्लाह से, लेकिन उनकी ओवर पोजेसिवनेस और उनको होता है कि इसको बस हम डब्बे में बंद करके घर में रख लें. But obviously because I got married and moved out and ab main Karachi mein hoon. But my brothers are very different from me. Teenon bhai. Achha. Ab jo Ahmed hai wo bhi meri tarah ka nahi hai. Wo bahut bahut alag insaan hai. Sabse bada wala bhai is like a father figure. To wo to bilkul hi unki to har baat pe hota hai ki acha. To mujhe kehte hain ki tum kaisi moti ho jo patli lagti ho. Main kehti hu bhaiya. कहते नहीं, ये तुम टीवी पे इतनी पतली कैसे लगती हो, सामने तो तुम. मैंने कहा भैया प्लीज. कहते नहीं अम्मा यार ये अपनी जॉब है, उनके साथ कुछ करती है अम्मा, ये कुछ करती है, ये अपनी कुछ, ये अपना सांस रोक लेती है अम्मा. एंड अम्मा और मैं इतना हंसते हैं कि भैया हर वक्त ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि हाउ इज शी लुकिंग स्मार्ट एंड स्किनी, बिकॉज शी इज नॉट, बिकॉज आई नो हर. तो आई थिंक आई एम दैट लिटिल बेबी फॉर ऑल ऑफ देम. जो मेरा बीच वाला भाई असद भाई, ही एंड आई वी लव टू फाइट. असद भाई और मैं हर वक्त आर्ग्यूमेंट. अभी भी असद भाई और मैं साथ बैठते हैं तो सबको पता होता है आज घर में एक तमाशा होगा. बट उसके बाद तमाशा करने के बाद फिर हम अच्छा यार सॉरी, अच्छा यार आज अच्छा यार तू यार बड़ी, तू बड़ी हो गई है ना तू. मैं कहती नहीं असद भाई आप समझ, कहते बस चुप कर जा. सो दैट एनवायरमेंट, मेरे भाई बेचारे लाडली तो नहीं, उनको बाबा ही कहते थे कि एक दफ़ा तीनों को लाइन में खड़ा किया मेरे बाबा ने, कहा ये इस घर की शहजादी है. मैं साथ बैठी हुई थी, इसका नौकर कौन है? और मेरे तीनों भाई ऐसे थे ना कि बाबा तो बेटा ऑफिस चले जाएंगे, इसका नौकर कौन है बताएं, इसका नौकर कौन है? तो तीनों ऐसे थे. बाबा ने कहा आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है मैं इसका नौकर हूँ. ठीक है अगर आप लोग इसको पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते इसकी दोस्तों के घर, मैं करूँ. तो मैं दोस्तों थी ना कि अब मुझे हर कोई छोड़ने जाएगा मेरी दोस्त के घर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि बाबा ने कह. Yes.
सो उसके बाद फिर मेरे भाई, सो मच फन. देन माय ब्रदर स्टार्टेड सेइंग कि ये तो पता नहीं बाबा, ये इसको नहीं जाने दें, इसके लड़के दोस्त हैं, ये लड़के लड़कियां मिल के सिनेमा देखते हैं, फिर लोग गाड़ी में स्क्रीचे मांगते हैं. उन्होंने मार किया, जबरदस्त मार किया. तो बेटा बताते हम तो बेटा. Then he met all my guy friends. Then he was like, अच्छा नहीं, लड़के भी बिल्कुल सही है, वही है, दोस्तों वाले, कोई खतरा नहीं है. हाँ, तो मैं क्या करूँ, इसको रोकूँ किस तरह? फिर उन्होंने कहा, इधर ये एक्टिंग करेगी. अच्छा. एंड देन मैंने सबको, आई ट्राइड टू फूल एवरीबॉडी अराउंड द आइडिया. मैं कहा एक ड्रामा कर लेते हैं, फिर मैं नहीं करूँगी. वो क्लासिक जो होता है ना, आखिरी. हाँ, मेरा भाई तो सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. बाबा ने, बाबा फेल इनटू इट. बाबा से मेरी बच्ची ने कह दिया, बस एक ही ड्रामा तो करना है, एक ही ड्रामा तो करना है, खामोशी. मैंने कहा करने दें प्लीज बाबा, इसके बाद नहीं करूंगी. बाबा ने कहा मेरी बच्ची की तबीयत नहीं ठीक, उसकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ठीक है वो कर रही है. और मेरा भाई तो इस तरह था ना कि आई नो व्हाट यू आर डूइंग. एंड देन जब असद से शादी हुई, ही वाज लाइक, मुझे तो पता था, इसका तो प्लान ही था कि ये तो जाएगी शादी करेगी, ये अपनी तरह की कोई लड़का ढूंढ लेगी और ये बस सारी जिंदगी से. सो बट नाउ, अब हम इतना हंसते हैं इन चीज़ों के बारे में कि उस वक्त आपके डर, खौफ, बहन भाइयों की मोहब्बत, अम्मा बाबा के डर, सोसाइटी को लेके, चीज़ों को लेके, बट आई थिंक एवरी थिंग इवेंचुअली फॉल्स इन टू प्लेस. अल्लाह मियाँ ने हर एक चीज़ का वक्त, एक प्रोसेस, एक जर्नी रखा हुआ है, और वो इट हैपेंस विद टाइम. तो भाइयों ने इंडिविजुअली भी असद को ग्रिल किया जब वो रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि जितना आप पोजेसिव बता रही हैं, मेरे बड़े भाई ने तो असद को जाके कहा कि डोंट, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ. तो मैं नहीं पता तुम क्या, ये बाकी सच्चे भाई हैं आपके, ये सच्चे सच्चे भाई हैं आपके. मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मत करो. असद हैड कम फॉर द रिश्ता, लाइक सीरियसली. वो घर आए और मेरा भाई ने कहा, बेटा जरा बाहर आना, गए लोग बाहर. मैं कहा मत करो अपने साथ, तुम अपने साथ गलत करो. असद ने कहा क्या है भाई, असद ने कहा मैं संभाल लूंगा. फिर मैंने बाद में कहा, मैंने कहा देखा, देखें संभल गई. तो हंसते हैं भैया वगैरह, भाई कहते हैं वो, अच्छा इन माय हाउस एवरीबॉडी इज अ फैन ऑफ असद पेशेंस. ओके, एंड आपकी लगी हुई है, आई कैन सी योर फेसेस, यू लाइक. असद के बारे में तो वो है कि असद ना कुछ गलत कर सकता है. असद एक साबिर आदमी है, असद एक अजीम आदमी है जो है. बट थोड़ा सा मैं अपने भाइयों से सुनती हूँ तो यू नो, मुझे हमेशा होता है कि मैं लाडली हूँ तो मुझे प्यार करें. बट माई फादर तो कहते हैं, वो बेचारा, उसके तो साथ जिंदगी में जो हो गया है, आपकी उससे शादी जो उसकी हो गई है, मतलब जैसे मैं एक, आई एम अ डायन और आई एम सम इविल फोर्स एंड असद बेचारे. सो बस वो असद की एक्सट्रीमली, असद की हिम्मत और करेज के बहुत फैन है कि उन्होंने मुझसे शादी की है. तो जब उन्होंने सबने आपने पहली बार सीन किया, ड्रामे हुआ, टीवी पे आई, तो क्या रिएक्शन था? देखा पहला ड्रामा उन्होंने, पहला किस देखी और क्या रिस्पॉन्स आया? दे वर हैप्पी, दे वर हैप्पी. अच्छा, मेरा काम देख के वो खुश सब होते हैं. शुरू में भी हमेशा दे वुड ऑलवेज टेल मी, यहाँ अच्छी लग रही हो, यहाँ बुरी लग रही हो, ओवर हो रही हो, क्या कर रही हो. हाँ, सो वो तो हमेशा दे वॉच माय स्टफ. पहली अपॉर्चुनिटी मिली कैसे थी टीवी पे आने की? हाउ डिड दैट हैपन? आई वॉज इन न्यूयॉर्क एंड आई स्पोक टू हसीब हसन. ठीक है. अम्मा ने मेरी उनसे फ़ोन पर बात की थी और हसीब भाई उस वक्त कुछ कर रहे थे बट फिर वो हो नहीं पाया. एंड देन मेरी फ़हीम बरनी से बात हुई. उससे भी पहले मैं न्यूयॉर्क, एक छोटा रोल आपने से पहले किया था ना, खामोशी से पहले एक छोटा रोल किया, धड़कन था. पूरा एक प्रोजेक्ट था. बट मैंने धड़कन से पहले, मैंने एक्चुअली तो धड़कन में कैसे आप पहले धड़कन में मुझे फ़हीम बरनी ने फ़ोन किया था. आई वॉज इन न्यूयॉर्क एट दैट टाइम. न्यूयॉर्क में मैं अभी गॉथम सिटी का ऑडिशन दे के आई थी. ओके, नाइस. नहीं नाइस नहीं, 100 लोगों में से एक उनको लड़की नज़र आ गई. It so giving auditions outside is a lot of work and is a lot of, I mean, there's so many people around from different ethnicities, from different cultures. So to land a job outside, I think is a huge deal. Every artist jo hamare Pakistan ke jo artists bahar gaye hain, unhone kaam kiya hai, they've made their mark, ye bahut badi baat hai. I think it's a huge thing because I myself have given auditions for different things before I got into acting. तो वो
इज़ वेरी टफ, वहाँ पे बहुत कंपटीशन। गौतम के लिए आपने दिया? गौतम सिटी नहीं, मैं तो बस देख के आई थी, इट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। बट कैसा एक्सपीरियंस था? डर लग रहा होगा? बहुत डर लग रहा था, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत उनका सिस्टमैटिक होता है, पहले हेड शॉट्स की तस्वीरें होती हैं, फिर यू नो यू हैव टू होल्ड समथिंग, उस पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, फिर एक मोनोलॉग होता है जो आपको एक हफ्ता पहले दे देते हैं, वो याद करना होता है, फिर जब आप अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि तीन लोग सामने डेस्क पे बैठे हुए हैं और मतलब आपकी सिर्फ दो लाइनें सुनेंगे, वो कहेंगे नेक्स्ट। ओह, वो आपको कंप्लीट भी नहीं करने देंगे इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द टोन? ओह, आई थिंक मैं ब्रूटल है यार, ये तो बहुत मोर और लेस मेरा मोनोलॉग बस पूरा ही होने वाला था कि उन्होंने कहा था नेक्स्ट, ग्रेट आई एम गोइंग, डोंट किक मी आउट। सो फील हुआ होगा उस वक्त? नहीं, उस वक्त तो मुझे इट वाज अ ह्यूज थिंग फॉर ऑडिशनिंग फॉर गौतम सिटी। अच्छा, तो आपने? मुझे तो बिल्कुल फील, मुझे ये फील हुआ कि मैं गौतम सिटी के लिए दे रही हूं ऑडिशन, बट ऑफ कोर्स इट वाज आउट ऑफ 100 पीपल अगेन। एंड देन फहीम भाई कॉल्ड मी, फहीम भाई ने कहा एक ड्रामा है, करोगी? मैंने कहा हाँ हाँ करूँगी। आई गॉट हियर, डिड द ड्रामा एंड बस फिर आई थिंक वन थिंग लेड टू अनदर देन टू अनदर देन टू अनदर। लेकिन उससे पहले कुछ आपने सिर्फ थिएटर किया हुआ था, कुछ और टीवी या मीडिया से आपका कोई इंटरेस्ट? तो जब पहला सीन शूट हुआ, इतने लोग कैमरा सामने, हाउ डिड यू फील? वेरी इंटिमिडेटेड, बहुत ओवरवेल्म फील किया था मैंने। एंड फिर फहीम भाई ने मुझे कहा कि डोंट वरी, इट्स ओके, मैं करा दूंगा, तुम फिक्र ना करो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर रही थी धड़कन में, अगर अभी भी आर्काइव्स में निकाल के देखा जाए, अरे यार आवाज़ भी मेरी बहुत मैंने पतली की हुई थी। सो आई थिंक अगेन पढ़ाई करके जब आप आते हैं तो यही होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कैरेक्टर को समझते हैं, उसकी आँख समझते हैं, फिर आई थिंक अपने आप को कैरेक्टर के साथ कैसे इंडल्ज करना है वो करते हैं। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो एक्टर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री में, मोर देन इवन द डायरेक्टर्स? और क्या ये अच्छी बात है या ऐसा नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम सिर्फ ये देखते हैं, और जनरल ऑडियंसेस भी, कि एक्टर कौन है, ये नहीं देखते कि डायरेक्टर कौन है, राइटर कौन है। ये जो इम्बैलेंस है इंडस्ट्री में, अभी शायद अगर आप वो एक्टर हैं जिसके नाम पे ड्रामा चल रहा है तो आपको शायद बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जाके मे बी अगर आपसे कोई बड़ा एक्टर आ गया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ले ली जाएंगी, राइट? तो ये फैक्ट कि हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा इम्बैलेंस है बिटवीन ऑल द प्लेयर्स जो हैं, वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में, और आपको क्या लगता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आई थिंक ये इम्बैलेंस तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में ज़्यादा है जी, हमारे पास यहाँ पे कोई स्क्रीन अवार्ड्स नहीं होते जिसमें हम गैफर या डीओपी या लाइट टीम को हम अवार्ड्स दें या उनको रिकग्नाइज करें, ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट जब हमें पता चलता है कि मैं पर्टिकुलरली अगर डायरेक्टर्स की बात करूँ, क्योंकि बिकॉज एक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, तो डिसीजन एंड वर्क ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका अंडरमाइन होता है, क्योंकि अगर हम उनके ऊपर छोड़ें या अगर हम टैलेंट और क्राफ्ट की बेसिस पे जाएं सिर्फ, यू नो, तो फिर शायद ये इम्बैलेंस थोड़ा सा वो अच्छा पता नहीं ऑडियंसेस कैसे देखती हैं, बट हमारी नज़र में तो हमें पता है कि किसी अच्छे डायरेक्टर का काम है तो हमें पता है कि अच्छा ही होगा। और डायरेक्टर टू डायरेक्टर भी डिपेंड करता है, मतलब आई वर्क विद डायरेक्टर्स जो फ्रेंडली भी होते हैं, प्यार भी करते हैं, देन आई वर्क विद डायरेक्टर्स जिनका एक पर्टिकुलर डिमीनर होता है सेट पे, एंड आई थिंक हमारे एक्टर्स के लिए डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तो ऑडियंसेस को भी मुझे लगता है समझ आने लग गई है कि अच्छा डायरेक्टर कौन है और एवरेज डायरेक्टर कौन है, और हमारे सेट पे अगर डायरेक्टर ने एक चीज़ कह दी है तो वो कह दी है। हाँ, अगर एक्टर्स क्योंकि ज़्यादा सामने आते हैं, कमर्शलाइज होते हैं, इसलिए उनकी वजह से होता है कि अच्छा फलाने ड्रामे एक्स वाई जी है, बट आई थिंक अगर डायरेक्टर ना अच्छा हो तो वो प्रोजेक्ट तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज वो कैप्टन ऑफ द शिप है। ड्रामा अच्छा है बुरा है ये डायरेक्टर के ऊपर है। ठीक है, कैंडल लाइट डिनर्स और मूवीज रिश्ते को निभाने के लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ अर्से पहले आपने क्या तीन चीज़ें हैं जो आपको लगता है के रिश्ते को निभाने के लिए ज़रूरी होती हैं या रिश्ते को अच्छे से निभा सकती हैं एक कपल के लिए? आई थिंक एहसास, भरोसा और वक्त। एक दूसरे को आप वक्त दें, एक दूसरे को समझें, वक्त दें, स्पेस दें, उसमें ये सब आ जाता है। एहसास ये कि अगर कोई इंसान अपनी कंफर्ट जोन में नहीं है, थका हुआ है, अपसेट है, खुश है, उसको समझें, उसका एहसास करें, उसकी फीलिंग का,
और भरोसा ऑब्वियसली. या ट्रस्ट आई थिंक इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. एक और भी आपने कहा जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बात के, हम दोनों एक साथ चीज़ें सीखना चाहते हैं. बट मैं सोचती हूँ कि आजकल की इतनी बिजी जिंदगी में जहाँ सोशल मीडिया तो हमारे हमें यू नो ओवरवेलम कर देता है, लाइफ वैसे भी बड़ी हेक्टिक है विद कमिटमेंट्स, तो उसमें कैसे आप ग्रो करते हैं या कैसे सीखते हैं चीज़ें और क्या करें आप और असद, कुछ आपने ऐसा किया जो आप शेयर भी कर सकती हैं? असद और मैं, हम वेर अ वेरी आई मीन वेर अ वेरी डिफरेंट कपल. वेर नॉट द लेट्स गो टू मूवीज और लेट्स गो टू डिनर्स टू स्पेंड टाइम. हम लोग घर पे बैठेंगे और आई डोंट नो, हम लोग घर पे बैठेंगे और कोई फिल्म देख लेंगे या हम फैमिली के, हम दोनों बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, सो फैमिली में हम बहुत वक्त गुजारते हैं. और असद और मैं वी टॉक अ लॉट अबाउट सिनेमा. ओके. वी टॉक अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, द थिंग्स दैट वट एवर इज हैपनिंग. वी स्टार्ट टू वर्क आउट टुगेदर नाउ. पहले असद जिम जाते थे और मैं भागती हूँ जिम से, बट वी स्टार्ट टू वर्क आउट टुगेदर. उसमें हमारा अच्छा वक्त गुजर जाता है. मैं कोई सेट लगा रही हूँ तो पीछे से आ जाते हैं और वे 20 kg तो मैं प्लीज मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रेनर है. सो आई थिंक दैट इज रियली समथिंग दैट वी आर डूइंग टुगेदर. बाकी आई थिंक लर्न कैसे करते हैं कोई नई चीज़, ये जो हमारे इर्द गिर्द की एक दुनिया है ना, हम उससे लर्न, हम उसको एक साथ एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते. जो काम की दुनिया है और ये जो शोबिज की एक दुनिया है जिसे आप कहते हैं, वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट. इफ एनीथिंग मैं और असद कोशिश करते हैं कि कुछ अनलर्न कर दें और कुछ और सोचें, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट का एक यू नो मिनट टू मिनट अपडेट, यू नो दिस फास्ट पेस्ड सोशल मीडिया लाइफ, वी ट्राई कि हम इससे तो कुछ नहीं सीखें. हम सीखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से एक दूसरे की बात को समझ के कि दुनिया कहाँ जा रही है, वक्त कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए. वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशंस अबाउट आफ्टर लाइफ. Oh, wow. And a lot, of course, I mean, as a couple, there are a lot of things that you discuss. So, Asad and Mera relationship, I think, bahut, I can't put it into words. अच्छा मैं समझी, मैं सोची थी शायद आप लोग कोई कोई स्किल या कोई एक्टिविटी साथ कर रहे हो, तो मैं जानना चाहती जब वो करते हैं तो अच्छा ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है. ग्लैमरस ही चीज सोची थी, नीचे लिख रही हूं. बहुत बड़ी स्किल है कि सफाई करनी है. बट उसमें लड़ाई नहीं होती होगी, ये क्यों रख दिया यहां पे, ये क्यों रख दिया, ये कितना पुराना था, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं. आई थिंक असद लव्स क्लीनिंग हिज वार्डरोब एंड आई लव क्लीनिंग हिज वार्डरोब. तो आपने उनको ज्वाइन कर लिया? तो मैं उनको ज्वाइन कर देती हूं. बेसिकली वो मुझे ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि ये नहीं ये हां, और उसमें बस हम सारा दिन सफाई, वी लव दैट. फिर हम लोग कोविड में हमने खाने बहुत बनाए थे साथ, और बस आई थिंक एंड घर को सजाने का हम दोनों को बहुत शौक है. सो कभी कोई चीज़ देख रहे होते हैं, कभी फर्नीचर देख रहे हैं, कभी लाइट्स देख रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स वेयर वी बोथ रियली रियली कनेक्ट. इतनी लड़कियाँ आपको फॉलो करती हैं माशाल्लाह से, और शादी बड़ी इंपॉर्टेंट जिंदगी में एक होती है, बल्कि हम तो कहते हैं कि शादी ही मेन चीज़ है. मुझे लगता है जो नहीं है, नहीं है, होनी भी नहीं, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन क्या था, मोहब्बत के सिवा और भी बड़े हाँ बहुत गम है मोहब्बत के सिवा भी जिंदगी में, बड़े गम है हाँ. लेकिन वो बाद में पता चलता है ना. अच्छा पता है, ये वही है कि ये वही बात है, शादी का लड्डू आप खा के भी पछताते हैं और ना खा के भी आप कहते हैं कि क्या है जो मैंने अभी तक नहीं खाया. सो मोहब्बत फुर्सत में रहने वाले लोगों का काम है. जिनके पास काम है ना बहुत ज़्यादा, वो हर वक्त मोहब्बत में नहीं रह सकते, बिकॉज मोहब्बत, आई थिंक मोहब्बत एक बहुत इज नॉट अ सरफेस थिंग, सरफेस वैल्यू की थिंग नहीं है मोहब्बत. क्या है मोहब्बत? इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल फीलिंग दैट इज़ बियॉन्ड द आइडिया ऑफ प्रेजेंस. ठीक है. एंड टच, इट्स बियॉन्ड दैट. लेकिन हर कोई ये अचीव कर सकता है आपके नहीं, ख्याल में? हर कोई नहीं कर तो सकता. ये किस तरीके से? सो साथ और मोहब्बत और इश्क और प्यार, ये चार अलग अलग चीज़ें हैं, ये हम लोग मिक्स कर देते हैं. मेरे अम्मी अब्बू और मेरा जो रिश्ता है वो साथ और मोहब्बत का है. हम साथ हैं और अगर वो आंखों के सामने नहीं भी हैं तो भी मेरे दिल में वो है क्योंकि मैं उनके साथ हूँ. मोहब्बत और साथ आप या तो मियाँ बीवी के साथ हो सकता है या औलाद के साथ हो सकता है या माँ बाप के साथ हो सकता है. और ये इसको समझने के भी बड़े लेवल्स होते हैं.
जो इश्क है आई थिंक वो तो इज नॉट फॉर दिस प्लेस. वो आप अल्लाह से बात कर रही हूँ. हाँ, आपको लगता है इंसान से इश्क नहीं, 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 नहीं. अच्छा, मोहब्बत ही मुझे लगता है इंसान से नहीं होती. Okay. मुझे लगता है ये जो रिश्ते हैं अम्मा बाबा सबके, ये हमारा साथ है. इनके बगैर हम हैं नहीं. ये आपने बहुत ही डिफरेंट फिलॉसफी लेकर आई है. आई हैव नेवर हर्ड दिस बिफोर. इंटरेस्टिंग. मुझे लगता है क्योंकि हमें आदत होती है. हमें आदत है ना लव्स है. जैसे आई लव यू इज द ओनली वर्ड दैट वी नो. आई केयर फॉर यू इज बेटर देन आई लव यू. आई थिंक ट्रू. आई एग्री विद दैट. एंड आई रिस्पेक्ट यू इज बेटर देन आई लव यू. यू लव मी बट यू वांट टू किल मी. ये कौन सी मोहब्बत है? यू लव मी बट यू डोंट वांट मी टू गो आउट ऑफ द हाउस. यू लव मी बट यू वांट मी टू I don't know, not focus be on myself. Haan, be myself. मैं अपनी चॉइस नहीं कर सकती because you love me. तो मुझे नहीं लव करें. मेरी इज्जत करें, मुझसे प्यार करें, मेरे साथ रहें. अम्मा बाबा, असद, फैमिली, ये वो हैं. जैसे पांच उंगलियाँ हैं ना, ये वो हैं. आप इनके बगैर हैं नहीं. इसमें से एक भी उंगली कट जाए आप ख़त्म हैं. मोहब्बत और इश्क में आपको प्रेजेंस, टच, गिव एंड टेक कुछ नहीं होता. वो है. उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको रेसिप्रिकेशन मिले. तो इंटरेस्टिंग, बड़ी डीप आपने थॉट बोला. और ज़रूरी ये भी नहीं कि वो इंसान से हो. मुझे तो लगता है इंसानों से होती ही नहीं है. अव्वल तो मोहब्बत आपको एक ऐसी सोच से भी हो सकती है कि आप सिर्फ ये सोचें कि इसके अलावा भी कुछ है. इस ये दुनिया ये जो मैं टच कर रही हूँ ये नहीं है. सो टू लव दिस आइडिया एक्सप्लोर्स एंड ओपन्स अ लॉट ऑफ डिमेंशंस इन योर माइंड. आइंस्टाइन ने बेचारे ने 9% इस्तेमाल किया था दिमाग. उसके बाद किसी ने किया ही नहीं. क्यों किया उसने 9% इस्तेमाल? क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि ये मोहब्बत मैं यहाँ से करूँगा तो मेरा दिमाग तो बंद हो जाएगा. मुझे मोहब्बत और इश्क को और ज़िंदगी को कहीं और ढूंढना है. इज़ व्हेन यू एक्सप्लोर कि आपके दिमाग में कौन कौन से लाइट बल्ब्स हैं जो ऑन ही नहीं हुए. क्योंकि आपने करंट ही नहीं दिया. ट्रू. आपकी तो ऑलमोस्ट लव मैरिज कहूँगी मैं. ऑलमोस्ट. हाँ, बिकॉज ऐसा तो नहीं था ना कि इश्क में पागल हो गए आप लोग. मिले, अच्छे लगे, असद ने फौरन रिश्ता भिजवा दिया. इतना ज़्यादा मिले भी नहीं थे. एंड यू, दिस इज़ द स्टोरी वी ऑल नो, राइट? कुछ और है तुम्हें पता नहीं. यही थी धुआंधार मोहब्बत थी जो छुपाई हुई थी. मोर ऑर लेस यही था. अब आप सोचती हैं तो आपको क्या लगता है, मोहब्बत, शादी जो है वो मोहब्बत देख के या होनी चाहिए या प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए? मुझे लगता है कि शादी एक बहुत ज़िंदगी बना देने वाली चीज़ है या ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाली चीज़ है. अच्छा पार्टनर होता है ना, उसी तरह अगर आपकी अम्मी अबू टॉक्सिक हों तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? उसी तरह आपका मियाँ या बीवी टॉक्सिक हो तो आप ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? पर्सनली राइट नाउ आई फील लाइक कि मुझे शादी के बाद समझ आया कि रिश्ता क्या होता है. क्योंकि अब जिस इक्वेशन में मैं हूँ विद माई हस्बैंड इस समथिंग जो मुझे लगता है कि ये तो इनकम्पेरेबल है. इसका कोई नाम नहीं है. मोहब्बत, साथ, ये कोई और चीज़ है. फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने कहा कि ये निकाह है. उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आपको स्ट्रॉन्गर, बेहतर से बेहतर, स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गर करते जाता है. क्योंकि अल्लाह मियाँ ने जोड़ दिया है ना साथ. बट कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली ये एक सज़ा भी होती है. कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग जो डोमेस्टिक अब्यूज़ से गुजर रहे हैं, बिट्रेयल से गुजर रहे हैं, उनके लिए धोखा भी होता है. हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती. आई थिंक अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है कि मुझे असद जैसा इंसान मिला है. माशाल्लाह. मेरी कोई, मेरी तो खैर कोई नेकी नहीं, मेरे माँ बाप की कोई नेकी होगी जो मुझे असद जैसा पॉजिटिव और हर चीज़ पर, हर चीज़ पर खुश रहने वाला. अच्छे वक्त पे तो खुश रहते हैं लोग, बट टफ टाइम्स में, इन टाइम्स ऑफ नो होप, ही इज़ स्टैंडिंग टॉल. और ज़ाहिर जब वो आए थे ना इंटरव्यू के लिए, आई रियली लव्ड इट द वे इंटरव्यू उनका था. लेकिन वो आपके लिए डिफेंड कर रहे थे और बड़े दिल से उनकी दो तीन टॉपिक्स उन्होंने जो बात की थी, थोड़ी सी जो ट्रोलिंग होती है उससे बात की थी. फिर द लॉस यू गाइज एक्सपीरियंस एंड आई कुड सी कि वो दिल से निकल रहा है. और आई रियली आई लाइक दैट अबाउट हिम. बट वो जब बोलते हैं तो मैं भी कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि इनके अंदर इतनी बातें छुपी हुई थी. आप लड़कियों को क्या
एक रियलिस्टिक एडवाइस देंगी अबाउट मैरिज और एक्सपेक्टेशंस जो उनको एडजस्ट करनी चाहिए शादी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है या तो ऐसा हो गया कि शादी से लोग बिल्कुल ऑफ हो गए या फिर हमने शादी और रोमांस को इतना आइडियलाइज, एक इतना फैंटेसी बना दिया है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं. तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप क्या कुछ रियलिस्टिक? आई थिंक बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, आई थिंक शादी एक बहुत अहम चीज़ है, यस, पर एट द सेम टाइम अगर आप शादी नहीं भी करना चाहते, वो अगेन इट्स योर प्रेरोगेटिव. अगर आपने मोहब्बत करनी है, रोमांस ढूंढना है, डिनर पे जाना है, तो आप गो अहेड एंड डेट समवन, डोंट गेट मैरिड. शादी इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट्स अबाउट आपने एक नई जिंदगी साथ शुरू करनी है. इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ सेकेंड चांस इन योर लाइफ एट लाइफ. सो उसमें आपको अगर आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली पे बिलीव करते हैं, तो आप शादी करें, ठीक है, वरना शादी नहीं करें. और पहले यही मैं हमेशा ये बोलती हूँ लड़कियों के लिए कि सबसे अहम बात यह है, आप पहले पहचान लें आपने क्या करना है, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं. आप ऑफिस में काम करना चाहती हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, अपनी पहली ड्रीम्स को पूरा कर लें, उसके बाद फिर देखें कि अब मुझे, अच्छा मुझे एक पार्टनर चाहिए इस ज़िंदगी के स्ट्रक्चर में अपने साथ ऐड करना है. शादी इसलिए नहीं करें क्योंकि करनी है, घर वालों ने कहा है, और मैं शादी करूँगी तो आई विल बी इन अ बेटर हाउस, इन अ बेटर सिटी और इन अ बेटर एनवायरनमेंट. नो, क्योंकि वो गलत रीजंस की वजह से होगा सब. यू नीड टू अंडरस्टैंड आप शादी क्यों कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं. अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेडी नहीं हैं, आप शादी मत करें. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बात आपने जो बोली, एंड आई थिंक बड़ी अच्छी बात आपने बोली लड़कियों के लिए, उनको सुनने की ज़रूरत है, ये अच्छी डायरेक्शन दी आपने. एक यंग लड़की जब वो अपनी माँ को कैंसर से स्ट्रगल करते हुए देखती है, फाइट करते हुए देखती है, एक तो वो शॉक, जो माँ जिससे, मतलब हर बेटी माँ से अटैच, लेकिन मुझे लगता है आपका और आसमान जी का बहुत क्लोज यू नो बॉन्ड है, था भी है भी, तो अनसर्टिनिटी और ये जो एक चैलेंज आ गया है, इतनी यंग एज पे जब आप फेस करी थी, क्या चल रहा था, कैसा था, हाउ वाज इट? मुझे ऐसा लगता है कि वो इट्स वन ऑफ द डार्क टाइम्स ऑफ माय लाइफ, मुझे अब याद भी नहीं है. ओके, अच्छा, मैं भूल भी जाती हूँ बहुत जल्दी, बुरा वक्त. अब मैं हैरान होती हूँ, आई थिंक सर्वाइवल का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा, फाइट बैक, सर्वाइवल, गेट बैक अप अगेन. मुझे अम्मा कहती हैं, आपको याद है इस वक्त आप इस हालत में? कहती हूँ कब? अम्मा कहती हैं, आपको याद है आपने ये किया था? मैंने, अच्छा मैंने ये किया था? नहीं अम्मा, मैंने ये नहीं किया था. कहती बेटा, आपने ये हरकतें की हुई हैं, तो मुझे यकीन नहीं आता. मेरी आदत है हर चीज़ को एकदम से फील करना और फिर एकदम से साइड पर कर देना. तो अब तो वो वक्त याद भी नहीं है, बट बस मुझे ये पता है कि फैमिली को कुछ हो तो आपको सब छोड़ के फैमिली के साथ खड़े हो जाना चाहिए. देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, एवरीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड कैन वेट. माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, सब छोड़ दें. काम छोड़ना है, छोड़ दें. ये अपनी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है एक्टिंग छोड़ना, मुझे लगता है मुश्किल नहीं है. प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप छोड़ देंगे ये. हाँ, अगला आपसे प्यार करता है कि नहीं करता, वो ये डिमांड कर रहा है. ये एक बहुत सोचने वाली बात है, बट आप, आपके लिए अपनी प्रायोरिटीज हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए. आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आसमा जी से, जब वो आई तब भी कह रही थी कि, अच्छा वो तो मैंने इंटरव्यू देखा, वो रो भी रही. हाँ, अच्छा मुझे अम्मा भी, मैं कहती हूँ अम्मा आप रोने क्यों लग जाती, कहती है आप मुझे इतना प्यार कर. मैंने कहा अम्मा, लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात, इतने मजे मजे. अच्छा, मैं अम्मा के इंटरव्यूज थोड़े थोड़े देखती हूँ, मैं ज्यादा नहीं देखती क्योंकि फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, आपको रोना आ जाता है. मैंने अपना, और अभी आप उनका मजाक उड़ा रही हैं. मैंने अपना वो बटन ऑफ किया हुआ है, आई डोंट वॉच हर वर्क. ओके, जिसमें उनके ऊपर जुल्म हो रहा है. मैं कहती हूँ मैं देख ही नहीं सकती, और इंटरव्यूज तो मैं देखती नहीं हूँ. मुझे उर्वा का फोन आया, उन्होंने मुझे कहा, ज़ारा आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि आपकी अम्मा का इतना प्यारा इंटरव्यू था, प्लीज़ मुझे उनका नंबर दो, मुझे उनसे बात करनी है. उर्वा, दिस इज सो स्वीट ऑफ यू टू से सो. मैंने कहा तुम देखना, बहुत अच्छा इंटरव्यू था. अब मैंने कहा देखो किसे लगाया, मैंने कहा ये तो कुछ और करिए. तो फिर आई डोंट वॉच हर वर्क एंड हर इंटरव्यूज, आई कांट. बट इतनी जो अटैचमेंट है इमोशनल, वो अच्छी है आपके ख्याल में लॉन्ग टर्म में?
नहीं, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना अच्छा नहीं है. हम हैं एबनॉर्मल. मैंने ये नहीं कहा, बट मुझे पता है हैं हम सब आपस में बहुत. मैं असद के साथ भी एबनॉर्मल हूँ. मुझे लगता है कि हम, मतलब मेरा रिलेशनशिप विद पीपल हु आई लव इज़ वेरी एक्सट्रीम. आई पोजेसिव है फिर? पोजेसिव नहीं हूँ, बट आई कांट लिव विदाउट ओके सर्टेन पीपल. आई मीन आई बिलीव सो, आई कांट लिव विदाउट देम. तो वो मैं फिर वो मेरी आंखों से कहते थे आई लव द वे यू स्पॉइल हर. जो उन्होंने किससे सुनाई, इतना मुझे मजे का लग रहा था सारी स्टोरीज वो जो सुना रही थी ऑफ कैमरा. मैंने स्पॉइल करना शुरू किया है शुरू में, तो वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती थी. और अब मैं कहती हूँ कि अम्मा अब आप ये, अब आप वो. तो वो अच्छा, अब उनकी ये भी होती है कि अब आपने अपने जोड़े कब निकाल लें, अब जो वो आपने पहन लिए हैं वो कब आएंगे, मेरे पास कब आएंगे. तो वो अब शी इन्जॉयज दैट नाउ. बट शुरू में तो वो इस तरह होती थी ना कि ये मेरे पे आप मुझे कुछ लेके. मैंने कहा अम्मा, बट आई थिंक बाबा को भी मैं थोड़ा सा करना शुरू किया है. ये तो वो भी ऐसे हो गए कि ये आप मुझे ये आपने लेके दिया क्यों. वरना उनकी हमेशा की ख्वाहिश होती है, मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, बेटा वो ड्यूटी फ्री से एक परफ्यूम है, पता नहीं एक उनका कोई परफ्यूम है टिपिकल, वही मंगवाते हैं वो जिंदगी भर. तो अगर उससे ज़्यादा कुछ ले आओ तो वो तो होता है कि इसने मेरे लिए क्या कर दिया. क्या कर दिया? ओके, आई एम गोइंग टू, मैं कुछ आपके इंस्टाग्राम से मैंने चीज़ें निकाल ली. ओके ठीक है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी और फिर एक सवाल पूछूंगी. डन. ये आपकी आपके फादर के साथ. जी, सच अ लवली पिक्चर. जी, टेल मी समथिंग अबाउट हिम. या आप उनको इस वक्त कैमरे पे क्या मैसेज देना चाहेंगी? बाबा का सोचती हूँ तो क्या ख्याल आता है? बाबा के बारे में सोचती हूँ तो बहुत बहुत, बस मुझे इतना लगता है कि मैं मेरे सर पे एक छांव है. बाबा इज बाबा. मैसेज क्या देना चाहिए? कुछ मैसेज अभी वो आई एम श्योर ये देख भी रहे होंगे इंटरव्यू. बाबा एक बहुत, ही इज अ बिग सॉफ्टी. बाहर से वो और अंदर से उनका इतना सा उनका दिल है. और उनकी मेरी दोस्ती अब बहुत पक्की होती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम दोनों बड़े हो रहे हैं. उनके बारे में फिक्र होती है मुझे बहुत, बट मुझे पता नहीं है कि बाबा अम्मा के बगैर कैसे रहते हैं. अगर एज अ पेरेंट जब आप खुद भी सोचती हैं इंशाल्लाह जब भी आप पेरेंट बनेंगे इंशाल्लाह, उनकी क्या एक क्वालिटी, वैसे तो आई एम श्योर उनकी बहुत सी होंगी, बट एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो आप इस वक्त शेयर कर सकें आप उठाएंगी उसमें उनमें से? बाबा हमेशा ये बोलते हैं, हम सब बच्चों को बाबा ने कहा है कि अगर आप खुदा ना खास्ता बाहर कत्ल भी करके आ जाए ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं लड़ लूँगा दुनिया से. सो नाइस. मैं कोई भी गलती करके आ जाए मुझे बता, मुझसे झूठ मत बोलिएगा. आपकी सज़ा भी मैं साथ खड़ा होऊंगा और आपकी जीत में भी मैं साथ खड़ा होऊंगा. बाबा ने हम बच्चों को कभी भी बुरे वक्त में ये नहीं कहा कि ये आपने, ऑलवेज जब भी हम अपनी ज़िंदगियों में डिफ़ीट होकर वापस घर आए हैं, पहले तो उन्होंने प्यार किया है कि ये यू नो इन द वॉर ऑफ लाइफ ये हारा है, फिर वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, चलो विल विन द नेक्स्ट बैटल, फाइट करते हैं, डोंट वरी, सो व्हाट. वो हमेशा मेरे नाना भी कहते थे सो व्हाट. बाबा हैज़ ऑलवेज ऑलवेज सेड के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया नो प्रॉब्लम, ये तबाही हो गई नो प्रॉब्लम, अल्लाह बहुत बड़ा है. सो वो एक चीज़ है कि बाबा की रेजिलियंस आई थिंक मैंने उनसे वो सीखा है. एंड यू विल हैव द सेम एटीट्यूड अपने बच्चों के लिए? हाँ, फॉर माई किड्स आई विल ऑलवेज से द सेम कि कुछ भी कर लो बेटा, बस मुझे सच बता देना ताकि बाहर जब मैं दुनिया में जाके खड़ी हूँ तो मुझे ये ना कहे कि आपके बच्चे ने तो ये किया, आपको क्या पता. आई डोंट वांट टू बी दैट पेरेंट, बिकॉज मेरे माँ बाप को घर में सब पता था. ये इतनी खूबसूरत ये आपने बनाई है. जी राइट. जी, आई लव्ड इट, थैंक यू. ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और जब मैं अभी बना रही थी क्या सोच चल रही थी जहन में? दिस इज द टाइम व्हेन ज़ेबाइश एंड द एंटायर फियास्को अराउंड इट हैपेंड. सो वो आपके जहन की थोड़ी सी और या और मेरा एक कोई मेरी स्टेटमेंट थी जो इतनी वेल थॉट नहीं थी, उसके बारे में बहुत सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स थे और उस पर मैंने उस तो ये लिखी है, ये वो स्टेटमेंट ही लिखी नहीं, ये बस तो मैंने ये मैंने सवाल लिखे हैं जो हर वक्त होते रहते हैं उस वक्त लड़की से. अच्छा ओके. क्यों
कब, किधर, कौन, वजह. मुझे उस वक्त लगा कि बहुत सवाल पूछे जाते हैं लड़कियों से, मर्दों से तो नहीं इतने पूछे जाते. उस स्टेटमेंट की वजह से आपकी या जनरली? बहुत सारी स्टेटमेंट्स जनरली मुझे हाँ. ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के हिसाब पे ही मैंने बनाई थी. उस वक्त मैंने बिल्कुल डिटॉक्स करने का सोचा था, बट तस्वीर लगा के फिर सोशल मीडिया भी लगा दी. बट आई वॉज अवॉइडिंग रीडिंग ऑल आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग एंड इट वॉज़ फेयरली बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सवाल, अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कब, किसकी क्या वजह, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, क्यों हुआ. बात अभी आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके ऊपर आपने एक उसके ऊपर एक कॉनोटेशन देना शुरू कर दिया, अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया. हर वक्त औरतों के लिए अननेसेसरी है, मर्दों से नहीं पूछे जाते इतने सवाल. एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ सेक्सिज्म इवन ऑन सोशल मीडिया. ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में भी आपको फील होता है बहुत? ओ हो इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है. या ओके. सो समटाइम्स आई एम शूटिंग विद माय मेल एक्टर्स एंड आई वुड सी, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी टीम, बट मैं देखती हूँ कि एक फीमेल एक्टर से और एक मेल एक्टर से बडीज हो जाते हैं. कॉल टाइम लेट हो जाएगा, डोंट वरी. फीमेल एक्टर का अगर 6 बजे का सुबह कॉल टाइम है, वो 6 बजे नहीं उठी और वो 7 बजे उठी है गलती से, तो उसकी शिकायत जाएगी प्रोडक्शन को, डायरेक्टर को, सबको. वेयर एज जो आपका दूसरा वाला, उसको बताया होगा मार्जिन 15 मिनट्स, चलो ये करवा रहा हूँ, लाइट करवा रहा हूँ, चलो. तो ये होता है, ये होता है. मैंने देखा है कि बॉयज़ बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, और लड़कियाँ जो हैं वो उसी में लगी रहती कि नहीं आपने तो मुझे ये कहा था, अभी होगा तो. अनफॉर्चुनेटली आप हर किसी के साथ आप बड़ी नहीं हो सकती बीइंग अ फीमेल, राइट? अच्छा, बॉयज़ आपस में ज़्यादा बडीज हो जाते हैं, लड़कियाँ आपस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रोफेशनलिज्म का सर्टन लेवल होना चाहिए आपकी टीम और आपके बीच में. और अगर उस प्रोफेशनलिज्म को ये लिया जा रहा है कि आप एरोगेंट हो या आप मतलब आप नखरा दिखा रहे हो, ये नखरा दिखाना नहीं है. बड़ी बेसिक बातें हैं जो हमारे शूट्स पे हमें नहीं मिलती. हम अभी बहुत सालों पीछे हैं हॉलीवुड की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, बट इवन फ्रॉम यू नो अदर वुड्स, बॉलीवुड और हूएवर, तमिल वुड और हूएवर, वी आर वे बैक व्हेन इट कम्स टू एथिक्स ऑफ वर्किंग. अभी तक तो हमारे बेसिक्स ही नहीं मिलती एक्टर्स डायरेक्टर्स सबको. ये भी नेमत होती है कभी कभी कि एसी चल रहा है. ओके. क्योंकि जब ऑब्वियसली एसी ख़राब हो जाता है ना गर्मियों में, तो फिर पंखा, तो वो बेसिक्स नहीं मिलती. तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सबको इज्जत देनी चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए, बट हाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, जो नहीं होती. व्हिच इज सैड. या फूल बहुत पसंद है आपको? यस. क्या अच्छा लगता है फूलों में? व्हाई डू यू लाइक, व्हाट डू यू कनेक्ट विद फूल? फूलों से मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती है कि वो जैसे हैं वैसे ही है, अल्लाह मियां ने जैसा बनाया वैसे ही है, उनके अंदर कोई बनावट नहीं है. वेयरएज मुझे लगता है कि हम हर दिन इवॉल्व करते हैं, बदलते हैं. इसके नीचे मैंने एक और चीज़ भी लिखी थी कि तेरी हुकूमत में होगा वही जो तूने कहा. उठाया मैंने एक्चुअली इसीलिए था. हाँ, मुझे ये बहुत, मैंने देखा फीडबैक बहुत फूल थे. हाँ, तो मुझे लगा कि फूल मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज़ देयर मेरे इरादे जो टूटे तो मुझको पता ही चला कि तेरी हुकूमत में होगा वही जो तूने कहा. ये मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदगी प्लान कर सकती हूँ, और मैंने भी प्लान किया कि मैं ये करूँगी, और मैंने प्लान किया कि मैंने वहाँ जाना है, वो करना है. तो मुझे लगता है प्लानिंग ज़ीरो हो जाती हैं जब अल्लाह मियाँ ने फैसला करना होता है, और अल्लाह मियाँ ने एक चीज़ को पलट देना होता है. सो या आई थिंक दिस इज़ वाई आई रोट एट दैट टाइम, एंड आई हैव बिकम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस दैट यू कॉन्ट प्लान एनीथिंग इन लाइफ. कोई भी चीज़ आपकी किस्मत में इसलिए आई, आपके रास्ते में इसलिए आई क्योंकि वो आपकी किस्मत में है. देर इज नो अदर वे. आपने कुछ नहीं कर ही नहीं सकते. तो ये मुझे बात, वो हज़रत अली का कॉल है ना कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों की नाकामी से पहचाना था. आई होप मैं सही कह रही हूँ. आई थिंक यू आर राइट. सो मैं भी आजकल इसी से आई एम लिविंग बाय दैट. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद राबिया,
सब चीज़ें बहुत सुपरफिशियल और सतही हो जाती हैं. पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर रिश्ता अदर देन दीज फाइव पीपल और सिक्स पीपल आई हैव इन माय लाइफ, मुझे हर रिश्ता बहुत सरफेस लेवल पे लगता है. आई डोंट लाइक टू मीट पीपल एनी मोर, आई डोंट लाइक टू हैंग आउट विद पीपल एनी मोर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई कैन सी थ्रू एवरी थिंग. और सो आई जस्ट, मेरा दिल करता है अब मैं इंक्लूसिव रहूँ और एक्सक्लूसिवली टू माई सेल्फ रहूँ. मुझे नहीं मिलना लोगों से जो लोग आज कुछ हैं कल कुछ हैं. मैं आई हैव ज़ीरो पेशेंस फॉर बुलशिट, सॉरी, बट आई हैव नेगेटिविटी और नेगेटिविटी, ज़ीरो पेशेंस. यस, अब ब्लॉक कर, डिलीट, अकेले ठीक है, अनफ्रेंड, सब कुछ. I don't want to meet anyone. Netflix जिंदाबाद. Netflix जिंदाबाद. Prime Video जिंदाबाद. I think they're amazing. क्या उनको लोगों ने, जिन लोगों ने Netflix बनाया उनको तो दुआएं. Seriously. सही कह रही है. हम जैसे लोगों की वही survival है. कसम से. सही है. बादशाह बेगम. Yes. कैसे आया script? क्यों हाँ कही आपने script पे? बादशाह बेगम मेरे पास आया था 1.5 साल पहले. और मुझे राफ़े राश्ती ने अप्रोच किया था सबसे पहले. राफ़े केम टू मी, सर मुझे आपसे बात करनी है, एक ड्रामा है. अब बादशाह बेगम के बारे में तो सदियों से सुनते आ रहे हैं हम कि एक ड्रामा बनना है. हर जगह से रिजेक्ट हुआ, एक ड्रामा बना है. सो आई थिंक जब आपको पता चल जाता है कि कोई चीज़ हर जगह से रिजेक्ट हुई तो आपका दिल करता है ये है क्या. ओके, पता तो चले ये है क्या. आई थिंक वो क्यूरोसिटी रियली फीड्स द कैट. सो द कैट got you, got me, and I spoke to Rafe and I was like, ठीक है करते हैं, done हो गया, ख़त्म हो गया. I got pregnant, and then I'm like, गया बादशाह बेगम, चलो ठीक है, अब पता नहीं कौन होगी बादशाह बेगम. And then everything changed in my life, and right after I think my delivery, September 3rd week, Mahesh came to me. He's like, बादशाह बेगम करेंगी. I'm like, महेश भाई, बट वो तो, he's like, अभी वो शूट पे नहीं गया. I'm like, कब करना है? He's like, बस अक्टूबर. मैंने कहा, बट लुक एट माई वेट. He's like, भाभी wants to speak to you. Then मोमना भाभी called me. मैंने बहुत सारी बातें उनसे की, उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी encouraging बातें की. फिर हमने राफे से बात की. Rafe was over the moon. He was so happy. And I was so shocked that at this point in time, abhi main, I'm not in my perfect weight, I'm not in the perfect state of mind, mera mental health, ladkana ja ke rehna hai 4 mahine. I started bawling, Asad main kaise rahungi, without Asad kaise karungi. Bas phir Mahesh ne kaha, bas chup kar jaye aur pahunch jaye. Okay, acha ab pahunch jaye. चलो पहुंच जाते हैं. फिर फाइनल हो गया सब. आई थिंक दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अल्लाह मियां, आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगा. क्योंकि आई वाज इन नो वे गोइंग टू बी एबल टू डू इट. मुझे आई वाज मतलब प्रेग्नेंट एंड हो ही नहीं सकता था. और बस फिर आई लैंडेड इन लड़काना एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर डन इन माय लाइफ. अच्छा, जो प्रोसेस है ना बादशाह बेगम का, मुझे लगता है कि उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे अभी तक नहीं मिली. प्रोसेस क्यों कह रही हैं आप ये? एक तो मुझे प्रोसेस, एक तो मेरी फिल्म्स का प्रोसेस ठीक है बहुत ज़बरदस्त था विद वजाहत रऊफ एंड आसिम रजा. ग्रेट एक्सपीरियंसेस विद बोथ द टीम, कैरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, एंड घूमना फिरना वजाहत के साथ. हम एक और आउटस्कर्ट्स में रहे आसिम के साथ बहावलपुर, टर्की एंड द टीम. वो दोनों एक्सपीरियंसेस के बाद अगर मुझे किसी एक्सपीरियंस ने बिल्कुल यू नो हैज़ गॉटन मी बैक इनटू लाइफ इज बादशाह बेगम. हमारा 4 महीने वहाँ रहना, हवेली में घूमना और एक दूसरे के साथ बातें करना, डिस्कस करना, आई थिंक इट्स इनकम्पेरेबल एंड इररिप्लेसेबल. जो दोस्ती और जो फैमिली मैंने क्रिएट की है और इतने फोकस्ड लोगों के साथ इतना इंटरनलाइज्ड एक्सपीरियंस था. क्योंकि बाहर का कोई था ही नहीं, ना 10 बजे ऑफ करना है कि घर जाना है. सब साथ हैं, ऊपर हम शोर मचा रहे हैं,
नीचे खिजर हैज टू स्लीप बट वी आर जस्ट जंपिंग. सो यू नो इट वॉज लाइक अ हाउस ऑफ बिग बॉस विद वेरी लेस मिसहैप्स वेरी लेस बट लाइक एक और ही एक्सपीरियंस था. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. बादशाह बेगम में लग रहा है कैरेक्टर में आर्क है आपको लगता है? अच्छा या अभी तक या अभी तक जितनी हम देखे उसमें अगर स्क्रिप्ट वाइज बात करें ना राबिया, आई थिंक बादशाह बेगम एक बहुत रिस्की प्रोजेक्ट था. ये हम सबको डे वन से पता था. ठीक है, हम हमेशा बैठ के यही बात करते थे कि यार इधर इट्स हेयर और इट्स हेयर, बीच में नहीं होगा ये. बट मुझे लग रहा है बीच में है अभी, नहीं लगता आपको? पता नहीं, हमारी तो दोनों हमारी तो दोनों जो कैलकुलेशन थी वो अजीब, ना यहाँ है ना वहाँ है. बट मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह बेगम नीश मार्केट के लिए बना है और उसको डायरेक्ट भी वैसे ही किया है. खिजर इज एन एसेट टू द फिल्म इंडस्ट्री. आई थिंक खिजर नीड्स टू वर्क मोर, खिजर नीड्स टू डायरेक्ट मोर. ही इज़ आउटस्टैंडिंग एट हिज जॉब, देर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. वॉट हैपेंड विद द एडिट एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ समथिंग जो मुझे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता. ओके, मैं रिव्यूज़ भी नहीं पढ़ती हूँ. ठीक, अब मैं देखती भी नहीं हूँ किसने क्या कहा है, क्योंकि मुझे वो प्रोसेस याद है. ठीक है, और मुझे ऑफकोर्स आप, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे काम करना है लोगों के लिए. ऑडियंसेस पसंद करेंगी तो ही यू नो थिंग्स आर गोना गो ग्रेट. बट अगर ऑडियंसेस नहीं भी पसंद करती, मुझे पता है मैं बहुत खुश थी उस एक्सपीरियंस में. मैंने इफ़ यू लुक एट माय करियर ग्राफ, आई हैड नो हिट्स, यू नो दिस राइट? खामोशी वाज अ मेगा ब्लॉकबस्टर. मतलब ऐदे वफा में भी आपका कैरेक्टर बहुत बादशाह बेगम there are no numbers, but वो हमेशा आप लोगों ने पसंद किए हैं, आप लोगों ने इनको प्यार दिया है. उससे ज़्यादा मुझे प्रोसेस में इतना मज़ा आया है. मुझे तो आई थिंक मेरे लिए ये बात पक्की हो चुकी है कि मैं बिल्कुल प्रोसेस के पीछे हूँ. अच्छा, मुझे तो बादशाह बेगम जब स्टार्ट हुआ था बड़ा मज़े का लगा. आई लाइक इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड, ये हम थोड़ा सा उस तरह के स्क्रिप्ट्स की तरफ जा रहे हैं. और ना अगर हम उसको लोकल लेवल पे ले आए, जैसे नेटफ्लिक्स या उस तरह पे स्टोरीज होती हैं ना, एक बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया उन्होंने क्रिएट की हुई है. जिस जो चीज़ें उसमें हो रही हैं, कहीं कहीं आपको रियलिटी नज़र आएगी बट डिफरेंट है, यू नो. तो मुझे तो उस पॉइंट से बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मुझे लगता था होप है ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं. बट बादशाह बेगम में जो हम चेंज चाह रहे हैं उसके कैरेक्टर में, जो हम चाह रहे हैं कि स्ट्रेंथ आए, वो अब तक आ नहीं पा रही है. आगे जाके आएगी या ऐसे ही रहेगी बादशाह बेगम? जहां नारा से जो बादशाह बेगम का ट्रांजिशन हुआ, चलिए वी अंडरस्टैंड कि तीन एपिसोड, लास्ट एपिसोड में अपेरेंटली ट्रांजिशन, तीन एपिसोड हो गई कि नहीं हुआ, बट शहर चली गई वो मुरीदों को छोड़ के अपने. थोड़ा हम डिसअपॉइंट हो गए, हमें लगा कि नहीं यार, ये तो उसको वापस जाना चाहिए था. हम भी ही डिसअपॉइंट हो रहे थे. क्यों नहीं सही कुछ हुआ? क्योंकि उस वक्त लगा था कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, और जहाँ आरा को ये करना ज़रूरी है, और हमें लग रहा था कि सांप ही काटेगा मुझे. और जब वो तो वो सब तो सही था, सांप काटना भी अच्छा लगा. वो गई शाहजेब का उससे बात करना, वो एक बड़ा अच्छा एंगल आ गया हमें लगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि उसको शहर जाके वहाँ इतने दिन जो वो रुकी है, मुझे उसका वो प्रोसेस समझ नहीं आया. पता नहीं वो डर गई थी या क्या हुआ था, बट जहाँ मुझे जहाँ आरा की स्ट्रेंथ नज़र आती है, देखिए कैरेक्टर में लूप होल है, वो एक ग्रे कैरेक्टर है, बट जहाँ मुझे जहाँरा की स्ट्रेंथ समझ आती है, स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ऐसे थी जहाँ मैं इत्तेफाक नहीं रखती थी, बट एक लिमिट तक ही मैं चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ. डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर का डिस्क्रेशन होता है, और एक हद तक ही आप अपना कर सकते हैं. और आई थिंक हमने हदें बड़ी क्रॉस की हैं. बड़ी दफ़ा साजी एंड खिजर सैट डाउन, राफे सैट डाउन, बड़ी दफ़ा री राइट हुई हैं चीज़ें. अच्छा, और एक पॉइंट के बाद फिर चीज़ें रीराइट भी नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, क्योंकि शूट करना होता है, शेड्यूल होता है, लोगों ने जाना होता है, काम होते हैं सबके. जहाँ आरा को पता है कि वो क्या चाहती है, शाहमीर की सेफ्टी, बाबा का भरोसा, रोशन आरा को सीधा रखना, उसको खुश रखना,
बख्तियार से मोहब्बत है बट उस मोहब्बत का इजहार नहीं करना, बताना नहीं है. पर जहारा को ये नहीं पता कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रही है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर क्रीप अप करेगी. अब जहाँ जब हमने शूट किया हमें पता था, बहुत सारे अभी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप देखेंगी तो आपको पता चलेंगी ये क्या हो रहा है. देयर इज़ एवरी शेड इन दैट कैरेक्टर जो मुझे करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया. बट जब वो एडिट होता है, एपिसोड्स अभी लंबी हुई हैं, एडिट ज़्यादा हो गया है, बाकी लोगों का भी आर्क है उसमें एडजस्ट किया है, तो जो प्लेसमेंट है ना चीज़ों की वो मुझे लगता है सही तरीके से निट नहीं हुई भी. मुझे अभी देख के जहाँ लगता है एकदम से मैं बैठे बैठे एकदम से आई लूज माई फोकस एंड आई एम लाइक ये बट व्हाट हैपेंड. व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट हम सब शूट करके आ गए, उसको आई एम श्योर जब टाइम लाइन पर रखा होगा और जो उसके अंदर से बेस्ट निकल रहा होगा वो खिजर ने निकाला. कोई भी अपने प्रोजेक्ट को ऑफकोर्स यू नो नहीं करता कि नहीं मुझे उसमें खिजर ने कोई कमी नहीं छोड़ी. उस वक्त जब हम शूट कर रहे थे उस वक्त कोई कमी नहीं थी, राफे ने कोई कमी नहीं छोड़ी. मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आज अभी तक हमारी सोसाइटी रेडी नहीं है इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए, इस तरह के ड्रामे के लिए. वो एक स्लो पेस्ड कम म्यूज़िक वाला, कम बैकग्राउंड स्कोर वाला ड्रामा है. खिजर एक एक अलग तरीके के इंसान है, वो चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं. उन्होंने वो ड्रामा अपनी विजन से बनाया, सो वो इट इज़ इंटायरली खिजर्स पर्सपेक्टिव जिसमें ठहराव है, कामनेस है. वो अब लोगों के साथ रेजोनेट करती है या नहीं वो तो यू नो अगेन वो सबका. जब मैं बादशाह बेगम का कैरेक्टर देखती हूँ ना, जहाँ आ रहा है एक लड़की, आम लड़की जिसको शायद पता था कि इवेंचुअली उसको ये पोजीशन लेनी है, लेकिन उस पोजीशन की ग्रेविटी और सीरियसनेस का उसको तब तक अंदाजा नहीं हुआ जब तक वो वहाँ पहुँची नहीं. जब उसको बोला जाता है इसकी ज़ुबान काट दो, तुम्हारी ये तुम्हारे साथ होगी. मुझे ना थोड़ा वो नॉवेल्स याद आते हैं इंग्लिश के जिसमें ऐसी लड़कियों को उठाते हैं, उठाते नहीं इन द सेंस कि आम लोग होते हैं लड़के लड़कियां, फैंटेसी नॉवेल्स जो होते हैं, लेकिन फिर उनको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहां वो अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, दे गो इन लीडरशिप. मुझे ना इसकी ऐसी फील आती थी. और मुझे हमेशा लीडरशिप के बारे में लगता है जब भी आप लीडरशिप में आते हैं, इस तरह की पावर में आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे गलतियाँ ना हों. बिल्कुल. सो गलतियां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट हमें आर्क नजर नहीं आई थी, इसलिए थोड़ी सी हम लोग शायद कुछ एपिसोड में नहीं नजर आई यार और मुझे भी नजर. और हम कह रहे थे यार अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार बिकॉज़ वी रियली लव द एपिसोड जहां पे वो बाप के पास रोती भी जाती है जब हाकिम भी उसको बोलती है, लेकिन फिर वापस आके बड़ा अच्छा सॉल्यूशन बनाती है. तो लाइक यस के हां अभी अच्छा बहुत से चीजों के सवाल जवाब थे स्क्रिप्ट में, कुछ चीजों के सवाल आए जवाब नहीं है. तो वो अगेन आप इट्स एन एंटायर डिफरेंट process of scripting and everything. अभी आगे वाले कुछ episodes में ऐसे ऐसे भी scenes हैं कि वो बाप जहाँ आ रहा, अभी अगला promo अगर आपने देखा, वो कह रही है कि बाप की गद्दी किसी की सगी नहीं है. सो वो जहाँ आ रहा जो बाप के पास रोते हुए गई थी, वो जहाँ आ रहा ये बन रही है. तो वो जो transition है वो एक interesting transition है. बट अगैन एज अगर आप होल देखें एपिसोड को, हर कैरेक्टर को देखें, तो मुझे ऐसा अगेन लाइक आई सेड कि वो इस तरह मिले हुए नहीं है, सब सब दूर है. सबका अपना मे बी वो ट्रांजिशन हम ज्यादा जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी तक वो स्लो पेस्ड है, जरा डिस्टेंस है ड्रामे की. बट इट्स बट ये कन्वर्सेशन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लगा कि एक एक डिफरेंट टाइप का जॉनरा एक्सप्लोर किया गया और ये स्टोरी ली गई है एक डिफरेंट कैरेक्टर बादशाह. इट इज अ ह्यूज रिस्क फॉर राफे, फॉर मोमिना दुरैद, फॉर खिजर. For all of you guys also, अपने काम को, हमारे लिए तो एक, देखिए ना, हमारे लिए तो एक अच्छा स्क्रिप्ट हमें मिला. हम तो तड़प रहे होते हैं क्योंकि ऐसा स्क्रिप्ट आ जाए जिसमें कोई ग्रे नजर आए, क्योंकि दो ही स्क्रिप्ट में अच्छा है या बुरा है. ग्रे वाले जब कैरेक्टर्स मिलते हैं तो हम सब खुशी से पागल हो जाते हैं. एक्टर्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रिस्की वो लोग जो who are spending the money on it, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, राफे ने वहाँ रखा, मोमना भाभी ने, इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था जो मुझे अभी भी लगता है इट्स अ शूटिंग स्टार. वो अभी लैंड कहाँ होगा ये जब तक बादशाह बेगम खत्म नहीं होता मैं इसके बारे में कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकती कि वो अभी कहाँ है. हाँ, बट हम ये डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि और जाके गोइंग फॉरवर्ड जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों तो फिर जो चीज़ें थोड़ी कमी बेशी रहेगी वो उसमें पूरी की. बट मुझे ऐसा लगता है राबिया सैडली कि हमारी ऑडियंस अभी ये देखना नहीं चाहती. हमारी ऑडियंस अभी नहीं रेडी. हमारी ऑडियंस रेडी है लेकिन हम ऐसे रेडी करेंगे ज़ारा उनको अगर हम ये सोच के बैठ जाएं तो फिर नहीं होगा ना. तो आप बहादुर हैं, आपने ये रिस्क लिया आई वुड से. अगर हम उसी तरह क्योंकि ऑडियंस ऐसे कभी भी रेडी नहीं होगी. आप
थ्रो करते रहेंगे रहेंगे तो, और आप भी इम्प्रूव करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा. सो आई थिंक इट वॉज अ गुड स्टेप. बख्तियार थोड़ा नूसेंस नहीं लगता? किसी मोहब्बत हो गई है बख्तियार से, बादशाह बेगम को और जहानारा को? मतलब बख्तियार हमारी पेशेंस को बहुत, इतनी बचकाना हरकतें करता है वो बख्तियार. एक क्या आपके पर्सनली क्या ख्याल है आपका बख्तियार के बारे में? तो मुझे बख्तियार के बारे में आपको क्या दिल चाहता है? मुझे तो बख्तियार एक बहुत चिल्ड आउट इंसान था बेचारा, जिसके साथ बहुत बुरी हो गई. तो जब आपके साथ बहुत बुरी हो जाती है ना, आपको समझ नहीं आता आप करें. उस बेचारे को सीधा सीधा एक आदमी है, उसको पता है कि एक लड़की है, लव है, वो बिला वजह पीछे 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 घुस रहा है, बातें कर रहा है, वो उसको प्यार हो गया है. और वो बेवकूफ़ियों पर बेवकूफ़ियाँ कर जा रहा है. बेवकूफ़ आशिक है, राइट? आजकल हमें ऐसे बेवकूफ आशिक नहीं होते, इसलिए तो किसी को समझ नहीं आ रहा आजकल. तो हर आशिक जो थप्पड़ मार के, ए लड़की के गाड़ी में बैठ, चल शादी है तेरी परसों मेरे साथ, वो बख्तियार बेचारा सुनो प्यार करता हूं, भाग चलते हैं फिर हम दोनों मर जाएंगे. तो सबको ऑड लग रहा है कि इतना अच्छा, इतना साफ, ऐसे कैसे पीछे पीछे क्यों? क्योंकि हमारी आई थिंक ऑडियंस को आदत भी है धड़ल्ले वाले हीरोज की. अब वहाँ शाहजेब धड़ल्ले में, सब कह रहे हैं वाह 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 वाह. ये बात तो अच्छा नहीं, मुझे धड़ल्ले की बात नहीं है. मुझे बख्तियार से इसलिए होता है कि वो समझ नहीं रहा है कि थोड़ा बादशाह बेगम को ग्रो होने दो. नहीं, वो समझ सकते बेबी थोड़े अरसे बाद बादशाह बेगम मिल जाए उसको, बट अभी जो पोजिशन है उस पर तो वो नहीं मिल सकती है. इसलिए मुझे बख्तियार थोड़ा सा बेचारा नहीं, उससे प्यार हो गया है, उसको मोहब्बत हो गई है, जो उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ढूंढनी चाहिए थी वो यहाँ उसको पीरापुर में ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिलेगा. बादशाह बेगम अपने बाप की नियत को नहीं पहचान पा रही है. बाप की नियत मतलब मेरे जो अब्बा हुजूर है. हाँ, मतलब वो साफ पता नहीं चल रहा है कि वो पता है. बाप जो मुझे कह रही है ना, मेरे दिमाग में बख्तियार नहीं अली रहमान आ रहे हैं, बाप नहीं शहजाद नवाज साहब आ रहे हैं. और मुझे सब, क्योंकि उन लोगों के साथ इतना मेरा फनी टाइम गुजरा हुआ है, तो मुझे सब के बारे में सोच के हंसी आती जा रही है. और मुझे ये भी हंसी आ रही है कि हम जब सीन कर रहे होते थे और हम रुक जाते थे, कहते थे सुनो ये क्या लिखा. तो देखिए कभी कभी इट वर्क्स अमेजिंग फॉर पीपल. कुछ लोगों को नहीं समझ आती कि यार थप्पड़ मारना है, कैसे थप्पड़ मारना है, मैं नहीं थप्पड़ मार सकता. बट वो जब टीवी पे आता है बड़ा अच्छा लगता है. उस वक्त हम जब एक्टिंग कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ये तो आउट ऑफ द बॉल पार्क है, क्या शॉट दिए. और जब लग के आता था, आप कहते ये बाबा क्या कर रहे थे, ये बाबा ने क्या बोला है. सो बहुत सारे ऐसे सीन्स में हुआ है कि मैं अंदर, पिछले एपिसोड में मैं अंदर तस्बीह पढ़ी हूँ, तो मेरे साथ हसद ही बैठे थे. उन्होंने कहा अभी तो तुम गाड़ी में थी. हाँ, मैंने कहा सुबह सुबह ट्रैवल किया था. यस ओके, आई डिडंट वांट टू से इट. अभी तो तुम गाड़ी में थी. मैंने कहा सुबह ट्रैवल किया था. हाँ, ये शाम का वक्त है. हाँ, असद जाएगी कौन बताएगा. मैंने कहा ये बताने की बात नहीं है. Obviously, whatever so is... this is where I feel honestly, जो हमने review में भी बोला है कि edit में ना वो side by side दिखाते, because it lost the impact that it could have had. जो built up हुआ था, built up था कि शाहजेब ने बोला नहीं वो तो अंदर है. अब हाँ, हम सब भी कह रहे हैं, मैं भी wait कर रही थी कि वो तो scene तो shoot किया नहीं है, होगा ये edit कैसा होगा. तो वो बट वो पर अंदर बैठी नहीं है फिर. तो थोड़ा सा अगर ये चीजें अगर लोग सुन रहे हैं तो इसको next projects के लिए incorporate करके बेहतर बनाया. अच्छा, ये है. जिन लोगों ने बनाया है ना, वो उन सबको मुझे लगता है वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और अक्लमंद हैं. खिजर राफ़े, मोमिना दुरैद, वो देर पाइनियर्स इन देयर वर्क. आई एम श्योर उन्होंने देख लिया है कि ये देर इज़ कुछ है, एंड आई एम श्योर देर पिकिंग एवरीथिंग ऑन द वे. बट मुझे पर्सनली आई हैड अ ब्लास्ट. So tell us a funny, कोई मजे का incident. एक funny, I think they're like, oh my god, there are numerous funny things that happened on the set. कोई एक नहीं है. We didn't sleep. We used to talk all the night. We used to, हमारे सुबह shoot होते थे और हम लोग रातों को बर्गर खा रहे होते थे और सुबह ब्यूटी शॉट. बर्गर आता कहाँ, लोकल या वहाँ पे था? लोकल था कोई? KFC था. ओह अच्छा, ओके, KFC वो था. राफे वुड गो, लेट्स गो बर्गर्स. राफे वुड ग्रिल बर्गर्स ऑल द टाइम. ओके, पार्टी हो रही थी भाई. पार्टी ही हो रही थी. इतना मजा आया था. मतलब यूज छोड़ो, इतना प्यारा था. छोड़ो रेटिंग्स, छोड़ो, हमें तो मजा आया बर्गर. और आई थिंक राफे द राशिदीज एंड देयर हॉस्पिटैलिटी हैज बीन अमेजिंग. फिर हम लोग की आपस की दोस्ती, क्योंकि इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में थे, बातें सुनने बड़ा डराते भी थे लोग, लड़के आप लोगों को. लड़के नहीं डराते, आप लोग डरा रहे थे. नहीं, आई थिंक हम सब मिलके एक दूसरे
की टांग खींचते रहते थे बट कोई इंसिडेंट अब सुना है कुछ हुआ हो? बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं राबिया, आई डोंट इवन नो कि मैं बताऊँ क्या बताऊँ. बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं. एक तो वो आई नो एवरीबडी नोज कि सबको लग रहा था कि चोर आ गए, चोर भी सबको लगा था. हाँ, अच्छा ये भी हुआ था, हमने आसेब वाला कहा नहीं को. चोर नहीं थे और हम कौन थे वो कोई भी नहीं था. राफे के गार्ड्स थे जो हवाई फायर कर रहे थे. हवाई फायर क्यों कर रहे थे बाहर? आई थिंक कोई भैंस वगैरह शायद कोई चोरी करने आया था तो हमें लगा कि आप लोग पे अटैक हो रहा है क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब भागे. और भाग के हम अपने आप को हम 12 लोगों ने एक कमरे में हमने 12 लोगों ने एक दूसरे को अपने आप को बंद कर लिया था. 12 पीपल लॉक्ड इन अ रूम एंड एवरीबॉडी जस्ट लुकिंग एट ईच अदर कि दिस इज इट. आई कॉल्ड असद, महेश भाई इज नॉट पिकिंग अप. आई कॉल्ड असद, राफे बेचारे का फोन नहीं मिल रहा था. आई कॉल्ड असद, हमने कहा असद बस बस प्लीज महेश भाई को कहो यहाँ पे डाकू आ गए. अल्लाह माफ़ी दे, इतना ओवर रिएक्ट किया था हमने इतना ओवर. उस वक्त तो मैं बाथरूम में छुप गई थी और मैं नहीं पता, शाहीन वाज स्लीपिंग और शाहीन और मैं हम कमरा शेयर करते थे बिकॉज मुझे अकेले सोने से डर लगता है तो शाहीन मेरे साथ कमरा शेयर करती थी. तो शाहीन को उठा के लाए कि उठो उठा, सब एक कमरे में छुप रहे हैं. मैं तो बाथरूम में, मैंने अंदर चली गई थी और मैंने कहा मुझे बाहर ना, मैं बिल्कुल अलमारी और फ्लश के बीच में एक जगह थी, मैं वहाँ दीवार से लग गई थी. सो शाहीन अपनी आंखें मल रही थी कि ये राफे राश्ती की हवेली है या नहीं आते डाकू आप लोग, राफे भाई की हवेली. और हम लोग थे नहीं तो मैं नहीं. हम में से एक ने फ़ोन किया लड़का ना पुलिस को कि हम कहाँ से मिला. बस गूगल किया उसको okay. इंटरनेट भी बंद हो गया. हमने कहा लो उन्होंने वाईफाई भी बंद कर दिया है. और अबुल एक लैंप था अबुल हसन जो है उन्होंने लैंप पकड़ लिया कैसे मारूंगा कि मैं अभी वो कमरे में कोई आएगा तो मैं मारूं तो और जब लड़का ना पुलिस को फ़ोन किया तो वो दो दिन बाद उनका कॉल बैक आया. तब तक हम लुट चुके नहीं था. आई नो मतलब महेश भाई को फोन किया कि महेश भाई बेचारे सो रहे. फिर असद ने महेश भाई को फोन किया कि इंटरनेट नहीं चल रहा, सिर्फ मेरे सिग्नल्स आ रहे थे, एक दो और एक्टर्स उनके सिग्नल्स आ रहे थे. पता कैसे चला कि नहीं है? वो महेश भाई ने नीचे राफे के वो बंदे को भेजा कि भाई ऊपर बहुत सारे 12 पागल एक कमरे में बैठे जाए. और हम गए. अच्छा बट इट वॉज वेरी रियल राबिया. हम लोग सब बॉनफायर के इर्द गिर्द बैठे हुए एंड जस्ट टॉकिंग एंड आई एम सिटिंग विद हमजा सुहेल एंड सबसे पहले फरहान ने देखा कि कोई हवा में कोई गोली. फरहान उठे हैं, वो गए, सब गए और फरहान कह रहे हैं जारा हमजा. कह रहे क्या कर रहे हैं यार फरहान, आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं यार? कह छोड़े यार जारा जी और सुनाए. एकदम से सामने धड़न धड़न फायर हमजा. और मैंने कहा ये तो असल में मतलब हमने अपनी आंखों से देखा बट हवाई फायर था. और हम लोग का एक सिस्टम होता है वहाँ पर, जिस एरिया में हम रह रहे थे वहाँ पर बाहर पे पता चला बेल चुराया कोई आया था तो उन्होंने बाहर से कोई फायरिंग हुई, इन लोगों ने अपनी जवाबी फायरिंग की होती है. और इट्स अ प्रोटेक्टेड लाइसेंस्ड एरिया, वो राफिया का एरिया है उनकी पूरे खानदान का. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रेंडली एरिया. और हम लोग बस भागे, दरवाजे बंद, लाइटें ऑफ, के बाहर से डाकुओं को नजर ना आए कि लाइटें ऑन है तो अंदर क्या हो रहा होगा. तो लाइटें ऑफ और ऊपर सब जब चले गए तो आई रिमेम्बर इस तरह की एक लाइट थी वो पकड़ ली अबुल ने कि मैं जाता हूँ. तो कोमल मीर ने मारा अबुल को कि तुम हीरो बनना बंद कर दो, हम सब की जाने जाएंगी, तुम बैठ जाओ. एंड शाहीन वाज जस्ट लाइक माई मेकअप आर्टिस्ट कि मतलब क्या कह रहे हैं रात के 2 बजे, मतलब मेरा सुबह शूट है और हमारा भी है. She was the only thing. I called Khizr. Khizr is an urgency. He never called me. I am saying it's urgent, emergency. अपनी हीरोइन को सुबह मैंने कहा ये कौन सा डायरेक्टर है? उसने कहा होगा चलो मरती अच्छा है, कल मरे आज मरे मेरे ऊपर खत्म हो. बट
ये सारा था. फिर अजीब, क्योंकि 4 महीने थे तो मुझे ऐसा लगता है जब आप एक जगह पे हो तो अजब 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 से ख्याल आते हैं. वहाँ एक ट्री हाउस था, ट्री हाउस में सोचते थे इस पे तो होगी कोई चुड़ैल. तो उसमें सब कहते थे अच्छा कौन जाएगा, कौन जाएगा, 1000 रुपए की बेट कौन जाएगा, कौन जाएगा. और कौन गया फिर? कोई नहीं गया, कोई बात नहीं. अबुल हसन को बड़ा शौक था. अबुल और हमजा ये जोड़ीदार होते थे, इनको बड़ा शौक होता था कि सबको डराएं. कभी कभी हमजा नहीं करता था क्योंकि हमजा को पता था कि मुझे डर लगता है. एंड हमजा इज अ स्लाइटर, आई कैन से ही इज अ डिसेंट गाय, यू नो, ही इज अ चार्मर. अबुल इज अ शैतान. अबुल लाइक, ये अभी कोई कहाँ जा रहा है, ये कमरे में जा रहा है, लाइट ऑफ करूँगा. अबुल का बस चलता तो वो पीछे की मेन स्विच की लाइट ऑफ करता और सबको कहता कि इस घर में. सो ऑल ऑफ दैट वाज वेरी फनी, फनी मजे का. हम कहते थे कोई जिन आ गया, जिन आ गया, रातों को नॉक हो रहा ही हो रहा है, कुछ भी नहीं, ये लोग आपस में तंग करते रहते थे. एंड खिजर ने कहा कि ऐसा करते हैं रातों को सबके कमरे के बाहर पाउडर गिरा देंगे और फिर देख लेंगे कि कोई फुटस्टेप्स हैं. मतलब इस तरह के आइडिया फिजर गूगल कर रहे हैं, हाउ टू एक्चुअली यू एक्चुअली फिगर आउट इफ देयर इज अ गोस्ट अराउंड. आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी कीन ऑब्जर्वेशन फॉर सुपरनैचुरल थिंग्स. आई लव वाचिंग हॉरर फिल्म्स. बट जब हुई तो फिर गल्ला दिया. अब हर कमरे में घुस कहती हूँ जो यहाँ है मुझे माफ़ कर दे, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज अपने काम से काम रखें और मुझे जाने दें, मेरा अब ये लाइन है. और फिर एक दफ़ा मैं गई इसी तरह हर कमरे में घुसने से पहले मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, या फ्यूचर में अंदर आने से पहले भी बोला था. हाँ अस्सलाम वालेकुम, वो मेरी आदत है कि जो भी चीज़ें हैं बिकॉज है तो हर वक्त तो आपको सलाम कर देते हैं. तो मुझे एक दफ़ा अबुल ने कहा कितना मज़ा आया ना अगर ये वापस से वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ आए. मैंने कहा अबुल मैं तुम्हें मार दूँगी, तुम बस चुप करके जाओ. अबुल ने मुझे डराया भी था वहाँ और मैं कांप रही थी. एंड ये लोग इतने पक्के हैं, इन्होंने नहीं बताया कि हम मजाक कर रहे हैं. मैं और हिबा कांप रहे थे और इस तरह पक्के बैठे हुए थे ना, और मैं रो रही हूँ कि यहाँ कुछ है, हमजा यहाँ कुछ है. और अबुल इस तरह था. फिर हमजा ने सोचा कि बता दूँ, अबुल ने कहा चुप कर जाओ, अभी नहीं, अभी सारी रात गुजर सारी रात गुजर. और सुबह में शूट पे इस तरह थी ना कि नींद आ रही, क्योंकि सारी रात तो सोती नहीं हूँ, ढूंढती रहती हूँ कहाँ कौन क्या कर रहा है. तो सुबह उठ के जब 2 दफ़ा मेरी नींद पूरी हुई, तीसरे दिन मैंने कहा सुनो जो ये कर रहा है ना, क्योंकि मुझे सोना है, आई नीड टू स्लीप. बस फिर इस तरह की हरकतें कर करा के फाइनली आप लोग वापस, सबको पता चल गया कि हाँ ये मजाक था. एंड हम वापस आ गए और अब हम मिलते हैं फरहान की तरफ अक्सर. हमारी गैदरिंग होती है तो हम आई थिंक वी रिपीट ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन. एंड इट्स फनी कि हम जब भी मिलते हैं वी रिपीट एवरीथिंग. सबको सारी स्टोरीज बताएं बट फिर भी याद कर कर करके मजा आता है ना उसको. या आई थिंक वो द फ्रेंडशिप दैट वी ऑल क्रिएटेड द बॉन्ड. वो बाहर रह रहे थे इसीलिए एक और दोस्ती बढ़ गई. तो वो बहुत एक अच्छा वक्त गुजरा जो आई थिंक विल स्टे विद अस फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स. आई वाज वर्किंग विद फरहान, कुछ उनके बारे में बताएं हमें. फरहान इज आप उससे पहले मिली हुई थी उनसे या फरहान से मैं एक दफ़ा पहले मिली हुई हूँ अवार्ड्स पे. ओके, उससे बिल्कुल पहले अवार्ड्स पे हम माई टर्की में मुलाकात हुई थी. फरहान इज़ अ गॉड गिफ्टेड इंडिविजुअल. ओके, ही देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट दैट अल्लाह मियाँ हैज़ हैंड पिक्ड फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड. आई थिंक फरहान इज़ वन ऑफ देम. फरहान के अंदर जो डेप्थ है वो बहुत कम लोगों में होती है. ही इज़ अ वेरी वेरी सेंसिटिव इंडिविजुअल एंड ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट इंडिविजुअल इज़ व्हाट आई रियली रिस्पेक्ट अबाउट हिम. एज एन आर्टिस्ट ही इज़ ब्रिलियंट टू वर्क विद बिकॉज व्हेन यू गेट द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट यू वांट आउट ऑफ समबडी, उससे बेहतर मिले तो आप यू टेकन अबैक. आई थिंक आई हैव हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद फरहान एंड यासिर. यासिर हुसैन के साथ भी मुझे काम करके बहुत मज़ा आया. एवरीबडी एल्स येस ऑफ कोर्स, बट यासिर एंड फरहान इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज अ को-स्टार, बिकॉज मुझे लगता था कि मुझे एक्चुअली शहजेब और कैसर थे सामने, फरहान और यासिर नहीं थे. और मुझे जो भी मेरे सीन्स हुए हैं शहजेब के साथ और कैसर के साथ वो बड़े ऑनेस्ट हुए हैं. अच्छा, फरहान और यासिर दोनों आपको सीन्स में एक्सप्लोर भी करने देते हैं.
अगर आप कुछ करना चाहें तो वो कर लेते हैं. दो तीन सीन्स में मेरी आदत बड़ा, मुझे बादशाह बेगम का हुआ होता तो मैं धक्के वक्के, तो वहाँ पे फरहान ने कहा अच्छा कर लो, बट वो फिर बैठ नहीं रहा था सही, क्योंकि ऑब्वियसली अजीब लग रहा था, वो लड़ाई लग रही थी. बट वो आई थिंक ही लेट मी डू व्हाट आई वांटेड टू डू, ही बिलीव्ड इन व्हाट आई वांटेड टू डू. मुझे एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ कि फरहान ऑकवर्ड हो रहे हैं. जो रिएक्शन, जो एक्शन में दे थी उसका रिएक्शन आ रहा था. और ही वुड ऑल्सो टेल मी सम प्लेसेस, ऑफ कोर्स हिज एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, वो मुझे बताते थे कि यहाँ पे यू नो यू कैन डू मोर, सो गो अहेड. अभी मेरे आगे बहुत सीन्स आएंगे यासिर के साथ भी और शाहजीब के साथ भी. चले, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या हम भी सारा दिन आई थिंक वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि शाहीन माय मेकअप आर्टिस्ट कहती थी कब आएगा कैसर और शाहजीब का सीन आपके साथ, आज आपका शाहजीब भाई के साथ सीन है, आज आपका कैसर भाई के साथ सीन है. तो हम इस बात को मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती थी कि अच्छा आज मेरा इनके साथ सीन्स हैं. वो पता भी चल रहा है जब ऑन स्क्रीन जो है मज़ा आ रहा है देख के, जब शाहजीब थोड़ा बहुत बादशाह भी. आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक मेरी बहुत इंस्टेंट एनर्जी कनेक्ट हुई है फरहान के साथ. नहीं वो अब जो यासिर आई न्यू वे बैक, या ऑफ कोर्स, बट फरहान के साथ मेरा इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टेंट. एंड वी बोथ आर पंजाबीज, वी बोथ लव म्यूजिक. आई डोंट हैव एज मच नॉलेज एज हिम अबाउट म्यूजिक, बट फिर हमारी पंजाबी की जुगते बातें. हमजा सुहेल भी पंजाबी है तो हम तीनों मिलके आप लोग. मेरी पंजाबी का डायलेक्ट थोड़ा बुरा है बट वो उड़ाते होंगे. ओहो मजाक क्यों उड़ाते, वो दोनों तो इतने पक्के पंजाबी हैं, इतना पक्का मुंह बना बना के जुगते सुनाते हैं कि आप यू कांट हेल्प बट यू जस्ट लाफ इट आउट लाउड. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. यू आर वेलकम. आई थिंक अच्छी मजे की कॉन्वर्सेशन होगी, कुछ बड़े अच्छे. तो पता नहीं, आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, पता नहीं कितने, पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे दी है बाद में कहूंगी ये मैंने क्या क्या इंटरव्यू में कह दिया था. मुझे तो बहुत मजा आया, मैं तो हंसी भी बहुत, और कुछ बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग. ये जो आपने मोहब्बत और इश्क और साथ वाली बात कही है ना, वो तो मैंने पकड़ ली है. वो मुझे अच्छा, अगर आपको इफ़ यू रियली लाइक रीडिंग अप ऑन थिंग्स लाइक दीज, मैं आपको बताऊंगी दो तीन लिंक्स मैं आपको भेजूंगी उनके बारे में. मैं आजकल कुछ लोगों को बहुत सुनती हूँ और आई थिंक उन्होंने मुझे एक और ही पर्सपेक्टिव दिया है टूवर्ड्स लाइफ. आई सेंड यू लिंक्स ऑन दैट, आप सुनेगा. आजकल आई एम लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ गुलजार एंड जावेद अख्तर. ओके, उनके पास कोई और ही परसेप्शन है चीज़ों का. ट्रू. और आई थिंक शायरी पढ़ने से, आप शायरी पढ़ने से और लिखने से और किताबें पढ़ने से, लोग कहते हैं ना कि नहीं किताबें बोरिंग, बुक वर्म नहीं. ये आई थिंक किताब पढ़ने से बहुत चीज़ें आपको ज़िंदगी के बारे में समझ आती है जो कॉन्स्टेंट एक सोशल मीडिया की नहीं, बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी में नहीं आती. मुझे लगता है सोशल मीडिया किल कर रहा है उसको. या आई थिंक सोशल मीडिया इज किलिंग एवरीथिंग. आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, आपकी डिटेल्स ऑफ मिनट टू मिनट लाइफ. आई थिंक एवरीबडी डजंट हैव टू. वन मोर थिंग इज, आई डिलिबरेटली स्टार्टेड टू नॉट टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ. Yeah. I think my personal life and my professional life has to be very separated from each other, because aap mera bilkul logo ka interest wahan chala jata hai, and I think mere craft ke upar se attention hat jati hai. And because social media is in the face all the time, har waqt ek facade hai ki oh main bahut khush hu, oh main bahut acha hu, oh main bada zabardast hu, mujhe bada acha lagna hai, mujhe sabse zyada ye cheez. Ha, koi khush nahi hai har waqt, koi perfect zindagi nahi hai. Matlab नॉर्मली नहीं है ये बात, पॉसिबल ही नहीं है कि हर वक्त कोई खुश हो. नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई बैटल है. तो प्लीज़ लेट्स जस्ट स्टॉप टेलिंग दिस कि मैं खुश हूँ और क्योंकि मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स होंगे तो मैं इतना आगे जाऊँगा, मैं इतनी कैंपेन्स करूँगा तो मैं इतना. नहीं, आई थिंक ये क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करती है सोशल मीडिया ने. हर वक्त इन्फ्लुएंसर्स को और यूट्यूबर्स को मैं देखती हूँ बेचारे सामने हैं ब्लू मॉस्क, बट यहाँ पे बता रहे हैं मैं ब्लू मॉस्क पे आया हूँ. अरे बट देखो तो सही, मैं हमाम, आज मैं हमाम करवाऊंगा, या आई मीन, बट वी आर नॉट एंजॉयिंग द प्रेजेंट मोमेंट. सो आई थिंक बड़ा जरूरी हो गया, जहाँ है वो हमें उसको डॉक्यूमेंट करना है. जैसे मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है, लगा दो बारिश हो रही है. अरे बट खुद तो देखो कि बारिश हो रही है, दो मिनट वहाँ बैठो कि ये बारिश है, ये पानी था, ये ऊपर आसमान में गया, ये इवेपोरेट हुआ, पानी बना, नीचे आया, सोच लो थोड़ा. उस इसीलिए राबिया हम सोचते ही नहीं है कि इसके बाद क्या है. अभी है, अभी करके ये कर लो, अच्छा ये करके ये कर लो,
बट ये तो कोई सोच ही नहीं रहा कि इसके बाद का क्या है. मेरा आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है क्योंकि बस अभी मेरा मूड ऑफ है, बट यही तो चीज़ है जो मैंने कब्र में लेके जानी है, जिस पे सवाल होगा. मैंने फलाना ब्रांड पहन लिया, फलानी इंडोर्समेंट कर ली, नहीं फ़र्क पड़ेगा. किस वजह से की, क्यों की, किसको सपोर्ट किया, कितने घर चलाए, कितने लोगों की जिंदगियों में फ़र्क डाला, इज वॉट इज़ गोना मैटर. ट्रू. सो आई डिलिब्रेटली ट्राई टू अवॉइड एनी सच फॉल्स इनहिबिशंस अबाउट लाइफ. हर कोई खुश नहीं है, और जितना हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर ऑफिन की क्या लाइफ है. इट्स सो गुड टू हेयर दिस, एंड आपसे सुनकर आई थिंक जो लोग स्पेशली जो यूथ है जो इतना सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस हो रहा है, आई होप उनको एक रियलिटी चेक मिला होगा और थोड़ा कम्फर्ट भी होगा कि जो परफेक्ट ऐसे लगता है कुछ भी ग्लैमर एंड यू नो स्टाइल इज ऑलवेज नॉट परफेक्ट, इज नॉट वॉट यू शुड एस्पायर टू यू. तो किसी प्रोजेक्ट पर काम करी, भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं आप आजकल? आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट बादशाह बेगम के बाद मुश्किल है अभी. बताओ क्यों? There's so much more that's to come in Badshah Begum. Okay. इसीलिए मैं अभी भी excited हूँ उस project को लेके, because I know कि ये भी आना है, वो भी आना है. I can't put my head into something right now. And I think मुझे अब I really want to work with somebody who can really tap into my mind and you know break my जो कर रही हूँ सबको different करा है. Yeah. True. तो बस आई थिंक आई विल बस ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है आपको देख के देखना स्क्रीन पे, तो जल्दी हाँ कर दीजिएगा किसी स्क्रिप्ट पे. ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि बादशाह बेगम का नशा यहाँ पे है, बट हर बादशाह हर स्क्रिप्ट तो बादशाह बेगम नहीं हो सकता ना. नहीं, हमारे हमारी बादशाह बेगम दोबारा वैसी कोई चीज़ बनेगी भी नहीं, कि बादशाह बेगम था बन गया और दोबारा वैसी चीज़ मिलेगी भी नहीं फिलहाल. बट पता नहीं अभी मैं आई वॉन्ट टू ट्रैवल राइट नाउ. I want to read right now. I want to focus on myself and my energy. I think I'm on a little detox. And abhi wo kar rahi hu. I want to spend more time with family. I want to spend more time traveling specifically. Explore different cultures. चलें आप ये सब करके आ जाएं, 6 months में हम दोबारा मिलेंगे. दोबारा मिलेंगे फिर हम बात करेंगे इन सब से क्या सीखा, बिकॉज आई लव्ड, मुझे बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुन के. मैंने तो 2-3 चीज़ें बड़ी पिक की हैं. आई होप ऑडियंसिस को भी मज़ा आया और आपने कुछ ना कुछ पिक किया. और ज़ारा ने बड़ी अभी मैंने बड़ा दबा लफ्ज़ा बोला, बिकॉज एक दबा लफ्ज़ा दबे लफ्ज़ा बुलवाया कि थक गई हैं. शी विल किल मी आफ्टर दिस दबा लफ्ज़ा इंटरव्यू. शी विल लाइक, बेटा यू दबा लफ्ज़ा आउट ऑफ द हाउस. मैंने बड़े दबे अल्फाज में भी बात की, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ, हमारा ख़ानदानी प्रॉब्लम है, हम भूल जाते हैं कि हम अभी कैमरा ऑन. लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, एंड आई थिंक बट रावे मुझे लगता है कि हर बात हर इंसान उस तरीके से परसीव नहीं करता, इसलिए बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए. मेरा प्रॉब्लम ही ये है कि मैं सोच समझ के नहीं बोल पाती हूँ, मैं बस बोल देती हूँ. सो उसमें आप अच्छा बोल रही हैं जो भी बोल रही हैं, फंस जाती हूँ कभी कभी. आई थिंक आपने वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं जो भी बातें की हैं, तो हमें तो आई थिंक दिस इज माय इंटरव्यू, व्हाट दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, लाइक इतना कैंडिड कैंडिड बादशाह बेगम के टाइम पे या इंटरव्यूज किए थे, लेकिन वो इतने डिटेल और इतने इंटरव्यू. हमने कोशिश की आज हम ज़ारा की एक डिफरेंट साइड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करें, नॉट स्पेशली मैंने ज़ारा की और असद की कोई बात नहीं पूछी. मैंने खुद भी लिखा हुआ था और ज़ारा ने लिखा थैंक यू. मैंने कहा नो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू, वो सब मुझे खुद आई थिंक सबको यहाँ कमेंट्स में भी क्विज है आप लोगों के लिए. हाँ, असद कैसे मिले थे? हाँ, आप लोग बताइए, सबको पता है. इट्स डन एंड ट्रस्टेड. आई ट्राइड कि हम डिफरेंट बातें करें और लोग कुछ आपसे सीख सकें, बिकॉज मुझे लगता था कि आपके पास है लोगों को कुछ बताने के लिए. तो आप लोग बताएं कॉमेंट्स में कि हम कामयाब हुए या नहीं. आप लोग अपने कॉमेंट्स बताएं कैसा लगा, और अपने आप को क्या समझती, अरे बेशरम, अरे बदतमीज, किस बात पे, पता नहीं किस बात पे. तो इसलिए अब कॉमेंट्स तो मैं बिल्कुल ऑफ हो चुकी हूँ कमेंट्स. ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड, एंड आई थिंक आफ्टर अ व्हाइल यू हैव टू बी लाइक दैट. या बिकॉज आई कांट टेक व्हाट दे से सीरियसली, एंड स्पेशली मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है आप ही के प्लेट आप ही के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आके आप ही की बेइज्जती कर रहे हैं. अरे मत फॉलो क्यों कर रहे हो तुम, बेशरम लड़की, तो भाई मत देखे ना, मत देखो ना भैया, फिर छोड़ दो ना भैया हमारी जान को.
चलें जी, यू टेक केयर. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.